हेलो चलो कैसे हो आप सब उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो मैं हूं आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर चैप्टर है बेटा इस में में से मान के चलो आपके पेपर गारंटी क्वेश्चन आने वाला गारंटी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान के चलो और कुछ बार कई बार थियोटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है ठीक है तो फटाफट से देखते हैं भाई चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हो चैप्टर का नेम है को रिलेशन इस चैप्टर में देखते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई को रिलेशन का मतलब क्या क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या बेटा कोरिलेशन ठीक है उसके बाद हम समझेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है नेगेटिव कोरिलेशन क्या है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है और सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे ठीक है बेटा उसके बाद हम समझेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बन जाता है एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं और ये इसलिए भी समझना इतना जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर का जो बेस है ना वो इस पर डिपेंड है इस पे डिपेंड है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है स्टमा कर लीजिएगा आगे आगे हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं ऑफ द एस्टीमेट्स एस्टीमेशन ऑफ कोरिलेशन कि भाई कोरिलेश कोरिलेशन को निकालने के कोरिलेशन को निकालने के क्या-क्या मेथड्स -क्या है तो हम देखेंगे तीन मेथड्स के बारे में हम समझेंगे एक है आपका स्कैटर डायग्राम मेथड दूसरा है आपका ल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन इसको स्टार मार्क कर लीजिए पेपर में यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा है न्यूमेरिकल आने के ठीक है और इसके अंदर एक और भी है आपका पियरसम रैंक कॉरिलेशन ऑफ कॉफिशंट देखो बेटा ये भी पिछले साल आपके सिलेबस में नहीं था बेसिकली पिछले साल ये सीबीएसई ने या फिर मेरे को लगता है डिफरेंट बोर्ड जिन्होंने भी, भी ये वाला जो चैप्टर है ये वाला जो टॉपिक है ये वाला जो टॉपिक है वो क्या कर रखा था आउट ऑफ सिलेबस कर दिया था यानी ये सिलेबस में नहीं था ठीक है लेकिन इस बार ही आपके सिलेबस में है इसके अंदर तीन मैथड आते हैं और उसमें से एक मेथड ऐसा है जो आपके पेपर में आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा ठीक है तो चलेंगे करेंगे इसको भी आगे चलते हैं बेटा आपके है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरिलेशन की भाई कॉरिलेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है जी थी? तो फटाफट से भाई हम देखते हैं चैप्टर का नाम आप जानते हो चैप्टर का नेम है कोरिलेशन ठीक है फर्स्ट टॉपिक समझते हैं भाई कॉरिलेशन का मतलब क्या है देखो नाम से पता चल रहा है को रिलेशन का मतलब यह है कि भाई डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो क्या होता है बेटा आपका को रिलेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच के क्या रिलेशन है उनका क्या रिश्ता है उसके बारे में हम बात करें तो वो क्या आपका को रिलेशन एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं इट शोज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव क्यों बोला गया क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल का मतलब है जो नंबर्स की फॉर्म में हो यानी क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल या फिर नंबर्स की फॉर्म में बताना देखो भाई हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं राइट right? और हमने बेस में ही हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टेटिक्स है वो नंबर्स की फॉर्म का डेटा कलेक्ट करता है यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम लेते यही बात कर रही क्वांटिटेटिव मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर पर्स की फॉर्म में होती है इसलिए तो ये क्या है क्वांटिटेटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिश्ता है क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें क्या करता है ये बताता है बेटा क्लियर है आगे हम समझते हैं अगर एग्जांपल ले प्राइस एंड डिमांड प्राइस एंड सप्लाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझते हैं समझते हैं मैं एक्साम्पल से समझाऊंगी अब आप देखो कौर अब आप मुझे बताओ प्राइस और डिमांड क्या है दो वेरिएबल ये ये भी एक वेरिएबल और एक ये भी वेरिएबल है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आप मानते हो प्राइस और डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड है अगर एक चीज महंगी होगी अगर एक चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी कम लोग कम खरीदेंगे अगर एक चीज सस्ती होगी प्राइस कम हो गया सस्ता हो गया तो लोग पागलों की तरह खरीदेंगे यानी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा बढ़ जाएगी मानते हो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इन दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन यानी ये जो दो वेरिएबल्स है ना प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है इसको हम क्या कह देंगे को रिलेशन यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है कैसा रिलेशन है हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं प्राइस और सप्लाई का आप मुझे बताओ हमने पढ़ाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ा है आपने सप्लाई वाला उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशन है वो क्या है पॉजिटिव रिलेशन देखो सीधी सी बात है एज अ प्रोड्यूसर सोचो जब भी किसी चीज का प्राइस होगा प्रोड्यूसर हो क्या करेगा फटाफट उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा ना क्योंकि प्रॉफिट कमाना है एज अ बिजनेस जब भी किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो अब उसको मुनाफा कम हो रहा है तो वो अपनी सप्लाई को भी क्या कर देगा कम कर देगा यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन क्या रिलेशन है बेटा पॉजिटिव रिलेशन तो ये दो वेरिएबल्स प्राइस और सप्लाई इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ये क्या होता है को रिलेशन यानी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में हमने क्या बाला? बात करी कि भाई इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है क्लियर है चले आगे आगे देखते बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर हम एक और ले ले एग्जांपल ये बहुत सारे एग्जांपल है आप तीनों में से कोई भी एग्जांपल लिख देना एक एग्जांपल लिख देना मोर देन इनफ है ठीक है अगर हम एक तीसरा एग्जांपल है इनकम और एक्सपेंडिचर अब आप खुद सोचो अगर आप ज्यादा कमा रहे हो अगर आप ज्यादा कमा रहे हो आपकी जेब में पैसा ज्यादा है तो आप खर्चा ज्यादा करोगे है ना जेब में पैसा है तो बड़े बड़े कह सकती हूँ मैं ब्रांडेड शोरूम्स में जाऊंगा है ना ब्रांडेड बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स में जाऊंगा है ना लग्जरियस खाना खाऊंगा मतलब लग्जरियस जगह जाऊंगा यानी आपके खर्चे भी क्या होंगे बढ़ेंगे ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा यानी जब आप ज्यादा कमाओगे आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा ज्यादा होगा है ना जब आपकी इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा अगर आप कम कमा रहे हो अगर आपका पैसा ही कम है आपकी जेब में आपकी इनकम ही कम है तो आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे असेंशियल गुड्स एसेंशियल गुड्स की तरफ जाएंगे तो वही है जब आपकी इनकम कम है तो आपकी एक्सपेंडिचर भी क्या होगी बेटा कम होगी तो ये क्या शो कर रहा है ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है क्या शो कर रहा है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कि भाई अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा आपका ये क्या शो कर रहा है कि दो वेरिएबल ये दो वेरिएबल्स है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है तो हमने क्या बात

क्लियर है पहला है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन नाम से पता चल रहा है कोरिलेशन का मतलब क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है यही बात हो रही है अब बात करें कि भाई उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है क्या रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है इसका तो आप अब खुद ही एग्जांपल ले सकते हो मैम प्राइस और सप्लाई तो है दो वेरिएबल्स भी और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है कैसे पॉजिटिव रिलेशन है मैम सिंपल सी बात है जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है सिंपल सी बात है हरा प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है अब प्रोड्यूसर सोचते हैं भाई सप्लाई बढ़ाऊंगा इसकी अब जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है सप्लाई बढ़ रही है प्राइस कम हो रहा है सप्लाई कम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ये क्या आपका पॉजिटिव को रिलेशन ये वाला एग्जाम्पल भी डाल सकते हो यहाँ पे आप इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा ये भी क्या है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन जो मैं ऊपर भी समझा चुकी हूं और यहां पे भी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया ओके बेटा अच्छे से समझ आया तो देख लेते भाई वेन टू वेरिएबल जब दो वेरियबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन दोनों देख रहे हो आप सेम डायरेक्शन प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रही है प्राइस कम है तो सप्लाई कम भी है ठीक है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है इसका मतलब क्या है अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और अगर एक कम हो रहा है अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है तो दूसरा भी आपका क्या हो रहा है कम हो रहा है इस टाइप के रिलेशन को आप क्या कहते हो बेटा पॉजिटिव रिलेशन क्या बोलते हो आप पॉजिटिव रिलेशन अच्छे से समझ आया अच्छे से आया चले आगे लो जी नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव नेगेटिव नाम से पता चल रहा है कि भाई दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है तो हमने बात करी कि भाई नेगेटिव 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 रिलेशन है है नाम से पता चल रहा मतलब अच्छा मैम प्राइस और डिमांड के बारे में आप बात कर रहे हो क्योंकि इन दो वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है नेगेटिव रिलेशन है क्योंकि मैम हमें पता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है कम होती है कोई भी चीज महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे खरीदेंगे मैम जब कोई चीज सस्ती होगी तो लोग पागलों की तरह ज्यादा खरीदेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी ज्यादा होगी तो ये क्या आपका नेगेटिव यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है ये क्या है आपका नेगेटिव कोरिलेशन तो इसका मतलब ही देख लेते हैं इट मीन वेन वन इंक्रीज जब एक बढ़ रहा है तो अदर डिक्रीजेज दूसरा कम हो रहा है एंड अदर अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इस टाइप के रिलेशन को आप क्या कहते हो बेटा नेगेटिव रिलेशन यानी एक बढ़ा तो दूसरा कम एक कम तो दूसरा बढ़ गया यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं बेटा मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा मूव कर रहे हैं ये क्या है आपका नेगेटिव को रिलेशन अच्छे समझ आए बच्चा पक्का चले आगे लोचे आगे चलते हैं बेटा लीनियर कोरिलेशन क्या होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है इन दोनों का फर्क समझते हैं लीनियर कोरिलेशन वो होता है बेटा जब दो वेरिएबल्स अगर मैंने यहां पे दो वेरिएबल्स ले ले, मान लो ए और बी जब दो वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रमोट कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मूव करे यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज करे उसको आप क्या कहते हो लीनियर कोरिलेशन एग्जांपल समझते हैं यानी दोनों ही वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं मूव करेंट प्रशन में ही क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसको आप क्या कहते हो बेटा लीनियर को समझते हैं एग्जाम्पल हो अगर आप देखो दो से चार में कितने का फर्क है मैम प्लस किया दो इसमें कितने का फर्क है मैम प्लस किया दो इसमें कितने का फर्क है मैम प्लस किया दो मैम इसमें कितने का फर्क है मैम प्लस किया दो इसमें

फाइव से चेंज हो रहा है ये आपका लीनियर कोरिलेशन क्यों क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ऊपर दो से हो रहा है तो सब में दो से हो रहा है अगर नीचे पाँच से हो रहा है तो सब में ही पाँच से हो रहा है ये क्या है आपका लीनियर कोरिलेशन यानी दोनों वेरिएबल्स के बीच में कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है ऊपर दो है तो सब में दो से चेंज आया नीचे फाइव से चेंज आ रहा है तो सब में ही फाइव से चेंज आ रहा है दिस इज योर लीनियर को रिलेशन ओके okay. चले नेक्स्ट नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है बड़ा बेटा फटाफट फट फ़द से देखो नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब ये है व्हेन टू वेरिएबल्स जब दो वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन जब दो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट प्रशन में चेंज नहीं हो रहे उसको आप क्या कहते हैं नॉन लीनियर मैम समझते हैं ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगी ना अब मान लो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल क्या है बी है अगर आप देखो फर्स्ट ए वेरिएबल में कितने से चेंज आ रहा है मैम इसमें भी प्लस टू इसमें भी मैम प्लस टू इसमें भी प्लस टू इसमें भी प्लस टू इसमें भी प्लस टू और मैम इसमें भी कितने से चेंज आ रहा है प्लस टू यानी हर उसमें कितने से चेंज आ रहा है प्लस टू से अभी तो है ना फर्स्ट में तो सही अभी तक समझ आ रहा है कि भाई अभी तो यहां तक चल रहा है कि भाई कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना अभी तक तो ये समझ आ रहा है कांस्टेंट चेंज आ रहा है समय मैम नीचे देखते हैं कितने से चेंज आ रहा है तो तीन से सात में आप बताइए कितने से चेंज आया मैम फाइव से चेंज आया है ना से में मैम देखते चेंज कितने आया से ट्वेल्व टू एटीन में कितने से चेंज आया मैम सिक्स से आया मैम एटीन से ट्वेंटी तो शायद सेवन से आएगा मैम ट्वेंटी से थर्टी में तो लगभग टेन से चेंज आ तो हम देख रहे हैं हर बार जो चेंज है वो डिफरेंट आ रहा है क्या इसमें फोर 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 से आ रहा है चेंज कोई नहीं आ रहा यानी यहां पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आ रहा यानी दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहे चेंज नहीं हो रहे बढ़ नहीं रहे ऊपर वाला तो टू 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 से हो रहे बट नीचे वाला नहीं हो रहा सेम प्रोपोर्शन में तो उसको आप क्या कहते हो बेटा नॉन लीनियर को यानी दोनों वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे अच्छे समझ आया चलो आगे इजी था बेटा पक्का ना चले आगे लो जी आप आगे चलते हैं नेक्स्ट सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन बहुत सिंपल सा है ना नाम से पता चल रहा है सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज आ रही है यानी इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली इसका मतलब ये है सिंपल ये कोरिलेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल्स है यानी ये सिर्फ टू वेरिएबल्स के बीच का चेंज दिखाते हैं ओनली एंड ओनली टू वेरिएबल्स के बीच में कितना चेंज आ रहा है उसको आप क्या कहते हो सिंपल कोरिलेशन कोई भी दो वेरिएबल्स उठा लो प्राइस डिमांड प्राइस सप्लाई इनकम एक्सपेंडिचर यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कितना चेंज आया चाहे वो पॉजिटिव चेंज है चाहे वो नेगेटिव चेंज है कोई भी तरह का चेंज लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली टू वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है बेटा आपके लिए सिंपल कॉरिलेशन क्लियर है आगे समझते हैं मल्टीपल कॉरिलेशन क्या होता है जब वो तीन या फिर तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में चेंज हो रहा है जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में चेंज हो रहा है तो उसको आप क्या कहते हो मल्टीपल कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन क्लियर है एग्जांपल समझते हैं मान लो एग्जाम्पल हो लेट से मुझे वीट की प्रोडक्शन करनी है मुझे किसकी प्रोडक्शन करनी है वीट की प्रोडक्शन करनी है और हम जानते हैं वीट की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मैम रेनफॉल भी चाहिए खाद भी चाहिए मेन्योर भी चाहिए और पानी भी चाहिए है ना सिंपल सी बात है पानी भी चाहिए तो ये बात कर सकते सीड्स भी लिख सकते हो मैम सीड्स भी चाहिए तो कितने सारे फैक्टर्स है कितने सारे वेरिएबल्स है यहाँ पे एक वीट की प्रोडक्शन को करने के लिए कितने सारे वेरिएबल्स का होना जरूरी है कितने सारे वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते है आपका मल्टीपल वेरिएबल या फिर मल्टीपल कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन तीन या तो तीन या तीन से ज्यादा ऊपर वाले में कितने कितने का कितने का बात कर रहे हैं हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स की बात करें तो वो क्या आपके लिए मल्टीपल साथ के साथ नोट्स बना रहे साथ के साथ बना लो। आपको यहीं, की यहीं हर एक चीज याद हो जाएगी जब आप लिखोगे लिखने से फिंगर्स को याद हो जाता है क्लियर है अभी तक हमने क्या बात करी कॉरिलेशन का मतलब समझा उसके बाद हमने बात करी पॉजिटिव और नेगेटिव की उसके उसके बाद बाद हमने हमने बात करी. बात, हमने बात करी लीनियर लीनियर एंड नॉन करी सिंपल एंड मल्टीपल सिंपल मतलब दो वेरिएबल्स के बीच का चेंज और मल्टीपल का मतलब क्या है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब डिफरेंट का मतलब यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स की जब हम बात करें तो क्योंकि आपके लिए बेटा मल्टीपल कोरिलेशन ओके जी डन है अब देखो एक चीज समझो नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ कॉरिलेशन डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब ये होता है देखो अभी तक हमने बात कर ली नेगेटिव कॉरिलेशन क्या है पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या है ये सारी हमने बात करी डिग्री ऑफ कॉरिलेशन का मतलब समझो कि भाई कितना कॉरिलेशन है कितना कितना अगर हमें पता हो कॉरिलेशन जो है माइनस वन माइनस वन से पॉजिटिव वन के बीच में लाई करती है ये बेटा आप याद रख लेना यहां से वन मार्क का क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के दे देते हैं कि भाई बताओ जो कॉरिलेशन है वो किसके बीच में लाई करती है किसके बीच में रहती है तो वो माइनस वन से पॉजिटिव वन के क्या करती है बीच में लाई करती है तो एक चीज समझो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन को हम कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन भी बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन का शॉर्ट नेम क्या होता है बेटा आर होता है अगर आपने देखा आगे के हम डिफरेंट मेथड निकालने वाले हैं है ना निकालने वाले हम स्केटर्ड डायग्राम मेथड यूज करेंगे हम काल पियर्सन वाला यूज करेंगे हम पियर्समैन रैंक वाला यूज करेंगे तो सब में देखोगे आप आर जरूर यूज करोगे आर का मतलब है कॉफिशियंट ऑफ को क्लियर है डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि भाई कितना कोरिलेशन है कितना है और पॉजिटिव के बीच में हमेशा जीरो पॉइंट टू फाइव है जीरो पॉइंट सेवन फाइव है, uh, है, है यह, यही यही लाई करेगी इसके बीच में तो इसके बीच में कितना कितना कोरिलेशन है तो उसको हम तीन एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े अच्छे समझ लेना तीन एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले एक है आपका परफेक्ट कोरिलेशन के उसमें दूसरा है एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन और तीसरा है बेटा आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेरिकल में भी यूज होगा इसका आगे परफेक्ट कॉरिलेशन क्या होता है परफेक्ट कॉरिलेशन वो होता है इसके अंदर दो चीज आती है एक होता है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन और एक होता है आपका परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन एक बार समझते हैं परफेक्ट कॉरिलेशन का मतलब क्या है व्हेन टू वेरिएबल्स व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में मूव करें एग्जांपल लेते हैं मान लो लेट्स से लेट्स से प्राइस और सप्लाई लेट्स से प्राइस और सप्लाई हमें पता है जब प्राइस हमारा बढ़ता है जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या आ रहा रहा है सेम प्रोपोर्शन में क्या हो चेंज आ रहा सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा परफेक्ट को कहते हैं अब दो टाइप इसके एक है आपका परफेक्ट पॉजिटिव और एक है आपका परफेक्ट नेगेटिव अभी तक समझो बड़े ध्यान समझना यही समझ आ जाएगी पूरी कहानी यहां समझाने वाली हूं देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है मैम पॉजिटिव अच्छा एग्जांपल क्या था मैम पॉजिटिव मैम अच्छा मैम पॉजिटिव वो प्राइस और सप्लाई हाँ मैम इन दोनों के बीच में तो यही था ना पॉजिटिव रिलेशन था अगर मैं एग्जांपल लूँ मैम सिंपल सी बात है अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है मान लो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी कुछ भी ले लो अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी मैम बढ़ रही है मैम हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है? रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और बढ़ रही है प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है इन दोनों के बीच में क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है ये हमें पता है यही पता चल रहा तो, positive correlation, अगर इसको करते है तो से अभी इतना क्या है परफेक्ट वर्ड का मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है हर बार टेन टेन से चेंज आ रहा है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी ही सप्लाई में क्या आ रहा है बेटा आपका चेंज

कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन क्लियर है एवं मतलब समझ लो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन सेम डायरेक्शन जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है प्राइस कम हो गया तो सप्लाई भी कम होगी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इतना क्लियर है अच्छे समझ आया आगे देखो परफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है सबसे पहले तो नेगेटिव का मतलब समझते हैं नेगेटिव मैम अच्छा नेगेटिव कोरिलेशन का तो सबसे बड़ी एग्जांपल ही प्राइस और डिमांड है ना वो तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था डिमांड वाले चैप्टर में माइक्रो के पढ़ाई था प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन है इसका मतलब क्या है मैम जब प्राइस बढ़ता है मैम जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या होती है कम होती है हमारी डिमांड क्या होती है कम होती है क्यों कम होती है बिकॉज हमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि हमें पता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है

है, दस से कम हो रही है और दस से कम हो रही है ये है एग्जाम्पल तो मतलब मतलब जाना चाहिए प्राइस और डिमांड अब बात करें नेगेटिव का मतलब है कि जितना एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है उतना ही दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्लियर इतना है? दोनों दोनो समझ आगे अच्छे से इतना अच्छे समझ समझ आ गया होगा। अब एक बार मतलब लो। और का तो पता ही है जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है कम। जब price कम जब होता है तो डिमांड क्या होती है बढ़ती है। जब दो वेरिएबल दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम अपोजिट एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कॉरिनेशन डन अब अच्छा समझो यहाँ पे यहाँ पे बेटा ये R का मतलब क्या होता है कॉफिशियट ऑफ कोरिलेशन हमें बात कर ही लिए क्योंकि डिग्री ऑफ कॉरिलेशन का ही दूसरा नेम क्या है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन यानी कितना कोरिलेशन है कितना कितना इसकी हम बात कर रहे हैं जो हमें पता है माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाई करती है अब समझो परफेक्ट पॉजिटिव को हम पॉजिटिव वन बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉजिटिव वन बोलते हैं याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन मतलब पॉजिटिव का वन ठीक है परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब क्या आर मतलब कॉफिशियंट कॉरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं माइनस वन से किस किससे करते हैं माइनस वन से डिनोट करते हैं ओके है okay? अच्छी समझ आया चलो आगे लोज नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ को क्या है आपका अगला एब्सेंस ऑफ को रिलेशन एब्सेंस ऑफ को का मतलब ही समझ आ रहा है कि भाई कोई रिलेशन ही है यानी दो फैक्टर्स के बीच में दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है एब्सेंस है एब्सेंस मतलब कुछ है ही नहीं यानी दो वेरिएबल्स के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं एब्सेंस ऑफ को एक एग्जाम्पल समझो उससे फिर समझते हैं मान लो प्राइस है और डिमांड है मान लो प्राइस है डिमांड है प्राइस सेम है हर बार टेन 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 कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस में लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ रही है डिमांड फिर भी बढ़ रही है डिमांड फिर भी बढ़ रही है और डिमांड फिर भी बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है कोई भी रीजन हो सकता है अदर फैक्टर्स हो सकते हैं लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसा है उनको पसंद आ रहा है ना उनको ये लग रहा है फ्यूचर में मिले ना मिले आज ही खरीद लिए कोई भी रीजन हो सकता है ना कोई भी रीजन से डिमांड क्या हो रही है बेटा आपकी बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो वही है कि भाई एक वेरिएबल के बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन दूसरे वेरिएबल के बीच में चेंज आ रहा है यानी दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा है एक में कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसको हम क्या कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इसका अगर आसान भाषा में बोलूं ना कि एक वेरिएबल का इंपैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता एक वेरिएबल्स का इंपैक्ट दूसरे पे नहीं पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब समझो व्हेन देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इट मींस चेंज इन वन अगर एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में को उस दूसरे में कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा दूसरे में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इजी है लैंग्वेज ध्यान रखना सिंपल एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन अरे वही ना जब दो के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है एक के बढ़ने या कम होने से दूसरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको हम क्या कह देंगे बेटा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन जब कोरिलेशन है ही नहीं तो इसलिए इसको क्या बोलते थे जीरो से डिनोट कर देते दैट इज आर इक्वल टू जीरो यानी कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कितना है इसमें जीरो है ओके okay, अभी तक दो की बात करी परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव याद होना चाहिए परफेक्ट पॉजिटिव में प्लस वन परफेक्ट नेगेटिव में माइनस वन एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन में कितना है जीरो इतना समझ आ गया समझ आया चलो जी अब आगे बेटा हम बात कर रहे हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन जो तीन टाइप का है तीन प्रकार का है एक है आपका हाई एक है आपका मॉडरेट और एक है आपका लो इसको ध्यान से कर लेना यहां से ना न्यूमेरिकल्स करने के बाद भी आपको शो करना पड़ेगा कि भाई कितना रिलेशन है पॉजिटिव है नेगेटिव है है ना हाई है मॉडरेट है लो है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका हाई है पहले तो आपको याद रखना चाहिए किसके बीच में लाइक करता है माइनस से प्लस में है ना माइनस को हम क्या कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और इसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ना पॉजिटिव का है ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव का है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन इतना क्लियर है आप समझो हाई मॉडरेट और लो का मतलब समझो हाई का मतलब क्या होता है जब 0.75 से 1 के बीच में जब लाई करता है ना हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हमारा कोरिलेशन जब हमारा कोरिलेशन 0.75 से 1 के बीच में आता है तो हम उसको बोलते हैं हाई कोरिलेशन मोड्रेड कोरेशन जब होता है जब 0.25 से 0.75 रहे और लो क्या होता है जब 0 से 0.25 रहे देखो भाई माइनस वन और प्लस वन हमने यहां पे लिया नहीं क्यों नहीं लिया क्योंकि उसको तो हम क्या बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव और इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव अब इसके बीच की बात कर रहे हैं इसके बीच में क्या आएगा जीरो भी आएगा जीरो भी आएगा जीरो भी आएगा इसके बीच की यही आएंगे ना पॉजिटिव माइनस से प्लस के बीच में यही सब तो देख लो भाई जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन फाइव से वन को हम बोलते हैं हाई क्या बोलते हैं हाई जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव से जीरो पॉइंट सेवन फाइव को क्या बोलते हो मॉडरेट क्या बोलते हो मॉडरेट मॉडरेट कॉरिलेशन उसके बाद जीरो से जीरो से जीरो समझ आया आपका लो क्लियर है लिख लो साथ के साथ याद हो जाएंगे अभी की अभी है ना टाइम अब कम रह गया साथ के साथ याद हो जाए चीजें तो बढ़िया रहती है है ना तभी इतना टाइम लगा के बढ़ा रहे हैं आपको देखो भाई अब देखो अब जो हाई कोरिलेशन मॉडरेट कोरिलेशन और लो कोरिलेशन की बात करिए ना ये जो हाई मॉडरेट और लो दो प्रकार का हो सकता है हाई पॉजिटिव भी हो सकता है और हाई नेगेटिव भी हो सकता है हाई पॉजिटिव भी हो सकता है हाई नेगेटिव भी हो सकता है मॉडरेट पॉजिटिव भी हो सकता है मॉडरेट नेगेटिव भी हो सकता है लो पॉजिटिव भी हो सकता है लो नेगेटिव भी हो सकता है जैसे परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव होता है ना वैसे हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव मॉडरेट पॉजिटिव मॉडरेट नेगेटिव और लो पॉजिटिव और लो नेगेटिव भी हो सकता है क्लियर है ये टेबल बनी हुई है, तो है अगर हाई पॉजिटिव है तो 0.75 से 1 है अगर मान लो हाई नेगेटिव हुआ तो क्या रहेगा 0.75 से माइनस वन माइनस वन रहेगा सिंपल सी बात है पॉजिटिव वन की जगह माइनस वन रहेगा सिंपल सी बात है आप समझो या एंड ले लो या कुछ भी ले लो ठीक है अब मॉडरेट कोरिलेशन में मॉडरेट पॉजिटिव में क्या रहता है 0.25 से 0.75 अगर यहाँ पे मॉडरेट नेगेटिव की बात करूं नेगेटिव तो नेगेटिव है तो आगे भी नेगेटिव तो का साइन लगा दो माइनस का 0.25 से माइनस का 0.75 ये वो अलग या फिर एंड लगा दो कंफ्यूज हो रहे तो माइनस का 0.25 से माइनस का 0.75 लो पॉजिटिव तो हमने बात कर लिया अब लो नेगेटिव जीरो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता माइनस का एंड लगा दो यहाँ पे या माइनस का क्या रहेगा 0.25 क्या रहेगा माइनस का 0.25 पॉइंट टू फाइव इतना क्लियर है मॉडरेट समझा है, high positive, high negative, moderate. Positive, moderate, है ना लो पॉजिटिव लो नेगेटिव ये पूरी की पूरी टेबल में आपका निचोड़ है परफेक्ट पॉजिटिव को प्लस वन परफेक्ट नेगेटिव को माइनस वन हाई पॉजिटिव किसके बीच में रहता है जीरो पॉइंट टू फाइव से वन के बीच में हाई नेगेटिव किसके बीच में रहता है इसका माइनस कर दो बस इसी का माइनस माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव से माइनस वन के बीच में क्लियर है मॉडरेट कोरिलेशन किसके बीच में रहता है मॉडरेट पॉजिटिव भी हो सकता है मॉडरेट नेगेटिव भी हो सकता है सेम मॉडरेट पॉजिटिव 0.25 से 0.75 0.25 से 0.75 दोनों के आगे प्लस प्लस लगा ये शो कर रहे पॉजिटिव पॉजिटिवनेस को राइट right? जब नेगेटिव होगा तो आगे माइनस लग जाएगा इसके आगे भी माइनस लग जाएगा दैट इज माइनस जीरो से माइनस का जीरो नेक्स्ट लो किसके बीच में रहता है जीरो और जीरो के बीच में ये हमें पता है जीरो और जीरो के बीच में अब नेगेटिव है नेगेटिव जीरो के आगे तो नेगेटिव साइन ही लगेगा यहाँ पॉजिटिव है तो उसकी जगह क्या लग जाएगा

कुछ मेथड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई, को निकालने के इसमें कुछ ना कोई डायग्राम या ग्राफ बनेंगे ना, नाम से पता चल रहा है स्केट डायग्राम मेथड दूसरा क्या प्य कॉफिशेंट ऑफ कॉरिलेशन इसको कर दो स्टार मार्क कर दो स्टार मार्क ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आ सकता है नेक्स्ट स्प्य रैंक कॉ ये आपके सिलेबस में इस बार है पढ़ा पिछली बार नहीं था इसका एक तीसरा मेथड है एक थर्ड मेथड आएगा इसका इसके तीन मेथड्स हैं हम तीनों मेथड्स को एक एक समझेंगे एक थर्ड मेथड क्या है वो बात करूंगी जब इक्वल रैंक्स गिवन होते हैं उसमें से वो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट है ये वाला इस बार भी ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काल प्यर्सैन उसके बाद स्प्यसमैन भी है दोनों अच्छे से करके जाने हैं पेपर में मान के चलो इस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल हंड्रेड एंड वन परसेंट आने वाला है Done. चलो पहला है स्केटर्ड डायग्राम मेथड क्या होता है डायग्राम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई डायग्राम कोई ना कोई ग्राफ की बात करें तो मतलब समझते हैं स्केटर्ड डायग्राम शोज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कॉरिलेशन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कॉरिलेशन के बारे में हम बात करी है परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव है ना एबसेंस ऑफ कॉरिलेशन पॉजिटिव कॉरिलेशन नेगेटिव कॉरिलेशन हमने बात करी है लास्ट वाले टॉपिक में ही हमने बात करी है यही सारे टॉपिक्स हमने बात करे थे कि परफेक्ट पॉजिटिव ये परफेक्ट कॉरिलेशन हाई

यहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैम अच्छा वो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन अच्छा मैम उसमें तो पॉजिटिव रिलेशन ही तो होता है अगर हमने याद है आपको माइक्रो में पढ़ा था जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है और उसकी जो कर्व है वो कैसे जाती है अपवर्ड स्लोपिंग जाती है जाती है ना अपवर्ड स्लोपिंग कर्व तो यही आप देख पा रहे हो इसकी जो स्लोप है वो कहाँ जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग ये क्या है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन जो हमने बात करी ना आर इक्वल टू पॉजिटिव वन इसको हमने जब डायग्राम के फॉर्म में बना दिया तो ये क्या है आपके लिए परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन क्लियर है दूसरा देखो यहां हम बात कर रहे हैं ये क्या है परफेक्ट नेगेटिव नेगेटिव वर्ड आते क्या जा, आ जाना चाहिए मैम प्राइस और डिमांड है ना मैम क्या होता है जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और ये क्या होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है बात करी थी ये क्या होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो आप देख रहे हो मैम ये भी क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हैं नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन उल्टा एक चीज बढ़ रही दूसरी चीज कम एक चीज कम दूसरी चीज बढ़ रही है जब ऐसा हो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये क्या है आपका परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन जिसको हम माइनस वन से क्या करते हैं बेटा डिनोट करते हैं ओके है? इतना क्लियर है उसके अलावा आपके तीन ग्राफ्स हैं मैं बना के दिखा रही हूं मे भी आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा आई डोंट नो फिर भी आप देख लो मैं आपके लिए यहां बना रही हूँ परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव समझ लिया अब पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है नेगेटिव कॉरिलेशन क्या होता है और ऑफ कॉरिलेशन क्या होता है यहाँ बना रही हूँ पॉजिटिव कॉरिलेशन का मतलब होता है जब आपका जब आपका दिख रहा है आपको जब आपकी जो रिलेशन है वो देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहे जब ये डॉट जो है ऊपर की तरफ जा रहे जा रहे ऊपर की तरफ सारी की सारी तो ये क्या शो कर रहे हैं पॉजिटिवनेस को ऊपर अपवर्ड जा रही है अपवर्ड ये जा रही है अपवर्ड सारी ये हम बात कर रहे हैं सारी की सारी क्या जा रही है अपवर्ड जा रही है अपवर्ड का जाने का मतलब ही क्या होता है ऊपर की तरफ जा रही है यानी पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं यही कर रही थी प्राइस और सप्लाई की कव कैसे होती है ऐसे ही होती है ऊपर की तरफ ही जा रही है तो ये क्या शो कर रही है पॉजिटिव को क्या शो कर रही है बेटा ये पॉजिटिव को ठीक है नेगेटिव का मतलब क्या होता है जो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है जो ऊपर से नीचे ऐसे ये क्या है बेटा नेगेटिव को को क्या कर रही है बेटा ये शो कर रही है नेगेटिव को को क्या कर रही है ये शो कर रही है तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तो ये क्या आपका नेगेटिव को क्या है बेटा आपका नेगेटिव को ठीक है एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन क्या होता है अगर मैं यहीं पे बना दूं कि यहां बना दो चलो ये बना दिया आपके लिए एब्सेंस ऑफ कॉरिलेशन क्या होता है जब आपको पता ही नहीं है कि आपका कहां जा रहा है आपके दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है है ना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा देख रहे हो कुछ नहीं पता चल रहा ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है ये वाला सिस्टम ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है है ना जब नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव ना या ना या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है तो ये क्या है आपके लिए एबसेंस ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस एबसेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कोई भी रिलेशन नहीं है नो no कोरिलेशन जिसको बोल देते हैं या फिर एबसेंस ऑफ कोरिलेशन डैना बेटा अच्छे समझ आए सो दिस इज़ ऑल अबाउट यर स्कैटर डायग्राम मेथड यानी डिग्री ऑफ कॉर्डिनेशन को जब हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं स्केटर डायग्राम मेथड पाँच इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक है परफेक्ट पॉजिटिव जो ऊपर की तरफ परफेक्ट नेगेटिव नीचे की तरफ जब आपके जो वेरिएबल्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिवनेस को ये स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी बन रही है ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे पूरी बन रही है या स्ट्रेट लाइन ये जो लाइन दिखा रही हूँ ना मैं ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रही हूँ कि ये सारी की जो डॉट्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये सारी डॉट्स नीचे की तरफ जा रहे तो नेगेटिव जब कुछ पता ही नहीं चल रहा है ऊपर जा रहे नीचे जा रहे तो एबसेंस ऑफ कॉरिलेशन क्या है एबसेंस ऑफ कॉरिलेशन यानी कोई भी कॉरिलेशन नहीं है जिसको हम जीरो जीरोन भी बोल देते हैं क्लियर है बच्चा चले आगे अब देखो एक चीज आप मुझे यहां से बताओ क्या पॉजिटिव कॉरिलेशन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव का मतलब क्या कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव पॉजिटिव पॉजिटिव में तो कुछ भी हो सकता है क्या आपको यहाँ पता चल रहा है इस पॉजिटिव कॉरिलेशन में कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव है जीरो पॉइंट थ्री है जीरो पॉइंट थ्री फाइव है जीरो पॉइंट फोर है जीरो पॉइंट सेवन फाइव है जीरो पॉइंट एट है कुछ भी नहीं पता हमें पॉजिटिव का मुझे पता ही नहीं चल रहा है, कितना है मुझे ये पता चल रहा है कि भाई हाँ ये ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव कॉरिलेशन नीचे की तरफ आ रही है नेगेटिव कॉरिलेशन बट नेगेटिव कितना कितना नेगेटिव है ना माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव है माइनस का जीरो नेगेटिव है मुझे नहीं पता समझ आया से कितना, पॉजिटिव है, कितना है? की में मुझे नहीं पता चल पा रहा है में। की में मुझे नहीं पता चल पा रहा है ये इसके कुछ ना कुछ खामियां इस डायग्राम की कुछ लिमिटेशन है कुछ ड्रॉबैक्स है तो धीरे धीरे हम मेरिट्स और डीमेरिट्स बढ़ रहे हैं फिर आपको अच्छे से और समझ जाएगा देखो सबसे पहला मेरिट क्या है इट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ स्टडी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बहुत ही सिंपल मेथड है कितना आसान था बनाना कुछ मुश्किल था कुछ मुश्किल था ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव जब कुछ नहीं पता चल रहा तो एब्सेंस है कितना इजी मेथड है कुछ भी मुश्किल नहीं है सो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड है है ना सेकंड जस्ट अ ग्लांस मतलब देखते ही किसको देखते ही डायग्राम को देखते ही आपको पता चल गया Enough to know, आपको देखते ही क्या पता चल गया इफ द वैल्यूज ऑफ वेरियबल है आपको पता चल गया कि भाई दो वेरियबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है रिलेशन है कि नहीं है पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है कि कुछ भी नहीं है एबसेंस ऑफ कॉरिलेशन है आपको डायग्राम को देखते ही पता चल गया कि भाई पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव है कि परफेक्ट नेगेटिव है या कुछ भी नहीं है एबसेंस ऑफ कॉरिलेशन है आपको डायग्राम को देखते ही क्या होगी समझ आ गई कि भाई कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में नेक्स्ट इट इंडिकेट वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव डायग्राम को देखते आप समझ जाते हो कि जो रिलेशन पॉजिटिव कॉ रिलेशन है कि नेगेटिव कॉ रिलेशन है ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव देखते आपको समझ आ जाएगा कि भाई दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है नेक्स्ट कुछ डिमेरिट्स की बात करने वाले क्या क्या डिमेरिट है पहला इट डज नॉट मेजर द प्रसाइज एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन यानी एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ये नहीं पता चल रहा हमें ये पता चल रहा कि perfect correlation है कि परफेक्ट कोरिलेशन है नेगेटिव सॉरी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कॉरिलेशन हमें पता चल पा रहा है ये हमें पता चल पा रहा है कि पॉजिटिव कॉलिलेशन ऐसा होता है नेगेटिव कॉरिलेशन ऐसा होता है ऑफ़ ऐसा होता है बट कितना कॉरिलेशन है ये नहीं पता चल रहा है भाई जीरो पॉइंट टू फाइव है जीरो पॉइंट सेवन फाइव है माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव है कि माइनस का जीरो पॉइंट सेवन फाइव है ये नहीं समझ आ रहा मुझे क्या समझ आ रहा है आपको नहीं आ रहा ना इसमें आप बता पा रहे हो कितना कोरिलेशन है नंबर्स के बीच में क्या बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे बस आपको इतना पता है ऊपर जा रही है पॉजिटिव नीचे जा रही है नेगेटिव भाई कितना है एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन भाई कितना कोरिलेशन है ये हमें नहीं पता चल पाया 0.25 है 0.75 है मुझे नहीं पता नेक्स्ट इट गिव्स ओनली एंड अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप सिर्फ आपको अप्रोक्सी मिलता है कि भाई हाँ समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसमें जीरो पॉइंट सिक्सेशन है कि भाई इसमें जीरो पॉइंट सेवन फाइव है इसमें वन है ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे क्या आपको पता चल पा रहा है नहीं पता चल पा रहा यानी इसको आपको पढ़ के इसको बना के आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता अप्रोक्सिमेट पता चलता है। नेक्स्ट इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्वानिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स की है। क्या यहां पे आपको नंबर्स की फॉर्म में कुछ पता चल पा रहा है

जो आपको मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से बेटा आपको समझ आ गया होगा आ गया चले आगे चले बेटा चले चलो नेक्स्ट कार्ल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट कर लो भाई स्टार मार्क कर लो मेरी तरफ से स्टार मार्क क्वेश्चन है यहां से इन तीनों मेथड से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने वाला है आने वाला ठीक है चलो ऑफ तीन तीन हैं इसके अंदर आते पहला मेथड क्या है देख पा रहे हो डायरेक्ट मेथड दूसरा क्या है शॉर्टकट मेथड और तीसरा क्या है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर डायरेक्ट मेथड में हम जो फॉर्मुला देख पा रहे हो आप ये वाला देख पा रहे हो फॉर्मुला यहाँ पे जो आर है आर का मतलब क्या है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन यानी हम क्या निकाल रहे हैं कोरिलेशन चैप्टर हम क्या निकाल रहे हैं कितना कोरिलेशन अभी तक हमने डायग्राम्स के बारे में बात कर ली उससे हमें ये पता चल पॉजिटिव है नेगेटिव है absent है वो बताया अब कितना कोरिलेशन है जीरो पॉइंट टू फाइव है जीरो पॉइंट सेवन फाइव है कितना कोरिलेशन है ये मेथड हमें बताएगा ये मेथड हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देगा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देगा नंबर्स की वो में हमें पता चल पाएगा कि भाई कि कितना कोरिलेशन है कितना कोरिलेशन है उसमें हमें नंबर्स की फॉर्म में नहीं पता चल पा रही थी वो ड्रॉबैक था डायग्राम का यहां पे जो कमी है उस कमी को पूरा किया गया उस कमी को दूर किया गया बेसिकली तो ये क्या है आपका काल ऑफ जिसके अंदर डायरेक्ट मेथड में फॉर्मुला क्या है सिग्मा छोटा एक्स छोटा वाई छोटा एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन होता है आपको पता है और छोटा वाई का मतलब है वाई माइनस वाई बार क्या होता है वाई माइनस वाई बार क्लियर है समझेंगे पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल कराऊंगी क्लियर हो जाएगा सिगमाई डिवाइडेड बाय में, में रूट पूरा पूरा में क्या लिखोगे सिग्मा एक्स स्क् वाई स्क्वेयर सबसे पहले एक्स निकालोगे लो वाई निकाल लोगे फिर एक्स आ जाएगा तो एक्स का स्क्वायर कर देना वाई आ जाएगा तो वाई का स्क्वेयर कर देना क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्लियर है चले आगे नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड में क्या होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं इतना कह सकती अगर आपको ये मेथड बनाना आ गया ना आपके लिए ये बनाना कुछ भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल है 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 बस एक एक डैश डैश का 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 फर्क है। का फर्क शॉर्टकट मेथड याद कर लो स्टेप डेविशन मेथड का फॉर्मुला आप अपने आप बना लोगे इतनी आई गारंटी यू ठीक है फिर भी देख लेते हैं आर मतलब क्या निकालना है मैम कॉफिशेंट ऑफ कॉलेशन निकालना है इसमें क्या है सिग्मा डी मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है देखो मीन में पढ़ा था डेविएशन d का मतलब यहाँ पे dx का मतलब डेविएशन है बट कहाँ का डेविएशन x में से अगर आपको मैं बता दूं यहां पे दोनों दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ले लेते हो एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है यानी x और y आपके पास पेपर में गिवन होगा क्वेश्चन गिवन होगा वहां से निकालना है तो जो डेविएशन x में से और दूसरा डेविएशन y सीरीज में से निकालना है तो यहाँ पे dx का मतलब है x माइनस ए क्या मतलब है x माइनस यहां पे लिखा ही हुआ आपके लिए डी वाई मतलब डेविशन y का मतलब है y सीरीज आपके पास x भी गिवन होगा और आपके पास y भी गिवन हो अगर मैं मान लू एक दो तीन चार पांच है ना यहाँ पे दो तीन चार पांच छ कुछ भी ले लेती हूं यहाँ पे x भी गिवन होगा y भी गिवन होगा x a मतलब एज्यूम मीन क्या होता है एज्यूम मीन मीन वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छा समझाया है एज्यूम मीन का मतलब आता है कि आप कोई भी अपनी मर्जी से मीन को क्या कर लेते हो चूज कर लेते हो मान लो मैंने यहाँ थ्री ले लिया यहाँ पे मैंने फोर ले लिया x में से भी और y में से dx का मतलब होता है कि भाई x में से एज्यूम मीन को माइनस कर दो डी वाई का मतलब है माइनस कर दो ए यहां पे क्या है चार है ए यहां पे क्या है थ्री है ये क्या होता है आपका डी एक्स डी वाई निकालने का तरीका dx मतलब एक्स माइनस ए डीवाई का मतलब क्या है वाई माइनस ए है आपके लिए क्लियर माइनस अब देखो ये माइनस कर रिम है डीएक्स डी वाई माइनस अब क्या करना है आपको ये डीएक्स डी वाई को खोल दो अलग अलग कर दो आप देख रहे हो dx और मल्टीप्लीकेशन में तो आप इसको खोल दिया माइनस का सिगमा डीएक्स इतना वाला पोर्शन डाल दो और इतना वाला पोर्शन यहां डाल दो सिग्मा डी वाई सिगमा डी वाई क्लियर है इतना वाला पोर्शन यहां डाल दो इतना वाला पोर्शन यहाँ डाल दो डाल दे डिवाइडेड बाय में क्या दो? N कर दो एन कर दो एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम अब पूरा का पूरा डिवाइड करना है दो स्क्यर रूट लगा दो, दो स्क्वेयर रूट डाल दो है ना दो स्क्वेयर रूट डाल दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो क्लियर है अब आपने क्या करना है एक साइड डी एक्स वाले को लिखना है एक साइड डी वाई वाले को लिखना है इस साइड डी एक्स को लिख दिया और इस साइड डी वाई वाले को लिख दिया तो मैंने पहले डी एक्स उठाया सिग्मा डी एक्स का स्क्र माइनस पहले डी एक्स का स्क्र किया फिर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क् डी एक्स का होल डिवाइडेड बाय में एन डिवाइडेड बाय में क्लियर है पहले मैं डी एक्स वाला उठाया सिग्मा डीएक्स का होल माइनस सिग्मा स्क्स का होल डिवाइडेड में क्लियर है मल्टीप्लाई में सिग्मा डीवाई स्क्र माइनस अब मैंने इसको कर दिया सिग्मा डीवाई का होल स्क्य डिवाइडेड बाय में सिग्मा डीवाई का होल स्क्र डिवाइडेड बाई में एन मैं आपको यहां बना के ये फॉर्मुला स्पेस ले लू देख लो ये लिखना है कुछ चाहिए आपको तो प्लीज ले लो स्क्रीन शॉट अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए यही फॉर्मला मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगी आपको यहीं के यहाँ याद ना हो तो देख लेना यहीं के यही याद हो जाएगा आपको फॉर्मला बारी बारी फॉर्मला मेरे साथ लिखोगे ना आपको यहीं के यही फॉर्मला याद हो जाएगा बच्चे बहुत मात खाते हैं इस फॉर्मले में बच्चे भूल जाते हैं वाला फॉर्मला थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको देखो सबसे पहले क्या करना है आर हमें पता है निकालना है आर का मतलब क्या है कॉफिशंट ऑफ कॉरिलेशन फिर क्या करना है सिग्मा डी एक्स डी वाई हो जाएगा इतना डीएक्स मतलब डिविशन x डेविशन y जिसका मतलब एक्स माइनस है और y माइनस है माइनस ठीक है माइनस का क्या कहना है सिगमा डीएक्स खोल दो खाली डी एक्स को यहां लिख दो डी वाई को यहां लिख दो सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई है आपका क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई है सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय मे एन क्या कर दिया डिवाइडेड बाय मे एन अब पूरे को डिवाइड करो पूरे को डिवाइड करो किससे डिवाइड करना है अब डी एक्स वाला अब दो रूट्स बना लो पहले पहले ही दो रूट्स बना लो और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा? Multiply आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा अब पहले एक साइड डीएक्स का लिखो सिग्मा डी एक्स स्क् माइनस सिगमा डी एक्स का होल स्क् डिवाइडेड बाय सिगमा डी एक्स स्क् माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क् डिवाइडेड बाय याद रखना यहाँ डीएक्स का स्क्र यहाँ डीएक्स का पूरे का होल स्क्र यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं नोमेरिकल्स करते तो कर हो तो तो है वो बहुत फिर पूरा क्वेश्चन गलत होता है अब डी वाई वाला यहाँ पे सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्र डिवाइडेड बाय में एन क्लियर है इतना इजी था क्या मुश्किल लगा आपको कुछ भी नहीं है बारी बारी दो बार भी लिख लोगे ना फॉर्मूले को आपके फिंगर्स को याद हो जाएगा आप कभी नहीं बोलोगे अब स्टेप डिविजन में कुछ भी नहीं है सेम का सेम पहले फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे उसके बाद डैश लगा दो हर जगह डैश लगा दो मान लो आपने पहले शॉर्टकट मैथड लिखा अब स्टेप डिविजन में क्या कर दोगे डैश लगा दोगे यहां डैश यहां डैश यहां डैश यहां डैश यहाँ डैश यहां डैश यहां डैश यहां डैश सिर्फ डैश 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 लगाते दो आपका ये फॉर्मूला बन गया स्टेप डिविजन का कुछ मुश्किल लगा नहीं था ना इजी है वही है हर जगह बस डैश लगाया डैश 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 और डैश अब मतलब क्या है मैम इसका है ना <laughs> देखो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आपको याद हो हमने मीन वाले चैप्टर में पढ़ा था डी डैश का मतलब क्या होता था मैम डी में सी होता था डी में सी और डी का मतलब क्या होता था मैम एक्स माइनस होता था एक्स माइनस ये हमने बात करी हुई है मीन वाले चैप्टर में सेम डिट्टो है डिट्टो डी एक्स डैश का मतलब क्या होता है कि एक्स में से निकाल रहे हैं तो डी एक्स डिवाइडेड बाई में सी का मतलब सेम कॉमन फैक्टर ठीक है अब डी एक्स का मतलब हमें पता ही है क्या होता है एक्स माइनस ए सेम सेम क्या कुछ फर्क लगा कुछ भी नहीं अब dy बस x और y का मतलब ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो उसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं y है तो y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं x वाले केस में आप x में से उठाओगे y वाले केस में आप y से उठाओगे अब dy को कैसे करोगे dy का मतलब क्या है मैम यहाँ पे dy' dy' का मतलब है dy dx और dy का मतलब क्या है मैम यहाँ पे dy का मतलब मैम यहां पे है x a e, क्या मतलब है यहां पे यार अभी नोमेरिकल करेंगे आपको एक एक चीज बहुत से समझ आ जाएगी बारी बारी फॉर्मुला मैं लिखने वाली हूँ स्पेशली आपके सामने हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने फॉर्मुला इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको हर बार याद रहे बारी बारी देखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा फॉर्मुला चलो नेक्स्ट आपकी बुक का ये क्वेश्चन होगा आपको बुक में मिल जाएगा अवेले क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है सेम के सेम क्वेश्चन है बुक वाले आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने बुक में मिल जाएंगे मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की नोटबुक वगैरह खोल के रखो और मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आपके यहीं के यहीं सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा क्लियर हो जाएंगे पहला कैलकुलेट क्या करना है कॉफिशेंट ऑफ कॉरिलेशन ये हमें पता चल गया आर वाला यहां पे मैंने लिखा नहीं होगा कार्ल पियर्सन आपको पेपर में गिवन होगा कि कौन से मेथड से निकालना है आपको कार्ल पियर्सन पूरा नाम लिखा होगा ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना पहला क्या है डायरेक्ट मेथड से आपको निकालना डायरेक्ट मेथड ठीक है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मला आपको पता है कि क्या होता है आर इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई में एक्स और वाई सारे स्मॉल है डिवाइडेड बाई में रूट में क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्र इंटू में सिग्मा वाई स्क्वेयर अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे जो रूट है ना रूट निकालने स्क्वायर रूट निकालना बच्चों को नहीं आता होता वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक बारी के लिए मैं चाहे यहाँ पे नॉर्मल लिखूंगी बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कि मैं ना आपको स्क्वायर रूट की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ आपके लिए और वहाँ पे मैं आपको सिखाऊँ कि आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है ठीक है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो बच्चे को स्क्र रूट निकालना नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा लास्ट में आंसर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा और धक्के काम एक नंबर कट जाना है जब लास्ट तक आप पहुंच नहीं पाओगे तो फिर धक्के काम टीचर एक नंबर काट लेगी तो कोई फायदा नहीं है नंबर कटवाने का और मुझे नहीं पसंद कि आप एक भी नंबर गवाओ अपना एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लियर है तो हम कर सकते हैं तो आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी कोशिश है इस हफ्ते में ले आऊं वरना उम्मीद है इस हफ्ते में आ जाएगी आपके लिए स्क्वेयर रूट कैसे निकाल ठीक है बाकी कमेंट में जरूर लिखना अच्छा अच्छा कि मैम वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं क्या आता है कि नहीं आता आपको रूट निकालना ये भी जरूर लिखना ठीक है देखो भाई अब क्या है कैलकुलेट कॉफिशेंट ऑफ कॉ पहला क्या है आपका डायरेक्ट मेथड है ठीक है आपके पास एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है तो आपके पास एक्स भी गिवन है और वाई भी गिवन है अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर है नेक्स्ट वाई कितना आपका फोर सेवन एट नाइन टेन फोर्टीन एटीन टेन फोर्टीन और एटीन

एक्स का टोटल एक्स का टोटल कर देते हैं मैम कोई इश्यू नहीं एक्स का टोटल कर दो भाई करो भाई मेरे साथ कैसे होगा एट एट नाइन टेन 17, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स

यानी x माइनस एक्स बार मतलब x में से x बार माइनस 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 तो कर दो टू में से फाइव गए थ्री में से फाइव कर दो मेरे साथ साथ करो भाई फोर में से फाइव कर दो यहाँ पे मैं एक चीज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे माइनस और तो प्लस में बहुत गलतियां करते हैं फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है इसलिए आपको एक एक चीज लिख के दिखा रही हूँ फाइव में से फाइव माइनस कर दो सिक्स में से फाइव माइनस कर दो सेवन में से फाइव माइनस कर दो और एट में से फाइव माइनस कर दो कर दे कितना आया माइनस का थ्री कितना आया मैम माइनस का टू कितना आया मैम माइनस का वन कितना आया मैम जीरो कितना आया मैम वन टू और थ्री क्लियर इतना क्लियर इतना मैम एक्स निकल गया मैम मेरा एक्स निकल गया मैम बधाई हो मैम वाई वाई कैसे निकालना है मैम वाई भी निकल जाएगा वाई का मतलब क्या मैम वाई माइनस वाई बार वाई का मतलब क्या मैम वाई माइनस वाई जैसे एक्स निकाले हम वाई भी निकाल लेते हैं वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार मैम वाई बार कैसे निकाले यहाँ तक तो समझ आया मैम वाई बार का मतलब सेम है वाई बार का मतलब क्या हो जाएगा अगर एक्स बार का मतलब में एन है तो वाई बार का मतलब क्या हो जाएगा सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में एन हो जाएगा सेम मैम सिग्मा वाई का मतलब क्या है मैम वाई का टोटल कर दो क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या था टोटल करना तो मैम सबसे पहले वाई का टोटल करते हैं मैम वाई का टोटल करते हैं मैं एक बार कोशिश कर रही हूं कैलकुलेटर यूज करने के लिए देखो कैलकुलेटर का यूज इसलिए कर रही हूँ करने में मैं यहाँ पे आपके लिए रफ व कर दूँ कोई इशू नहीं है मुझे करना बात यह है कि मैं आपको कोशिश कर रही करूँ कि जल्दी वीडियो खत्म हो जाए आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैलकुलेशन आप कर सकते हो लेकिन आप प्लीज पेन पेंसिल या फिर खुद से कैलकुलेट करना कैलकुलेटर का यूज जितना कम करो उतना अच्छा है आपके लिए क्योंकि पेपर में यही गलती रह जाती है इकोनॉमिक्स में कि हम पहले तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में स्पीड बढ़ती नहीं है स्पीड बढ़ती नहीं है पेपर छूट जाता है आपका है ना इसलिए कोशिश करो जब भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो तो हाथ से ही कैलकुलेशंस करो मेरा करने का ये इसलिए है क्योंकि मैं क्या कह, कह, कह रही छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा मिल जाए अगर मैं करने लग जाऊंगी एक एक क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो धक्के काम की लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाह रही कि वीडियो लंबी जाए तो क्योंकि आपका एक एक मिनट क्या है बेटा बहुत कीमती है मेरे लिए बहुत कीमती है ठीक है तो सबसे पहले क्या है वाई माइनस वाई बार वाई को मैं सबको ऐड कर देती हूँ एटीन प्लस फोर्टीन प्लस टेन प्लस नाइन प्लस एट प्लस सेवन प्लस फोर कितना है सेवेंटी सिग्मा वाई आ गया मेरे पास सेवेंटी कितना आ गया सिग्मा वाई मेरे पास सेवेंटी आ गया मैम सिग्मा वाई कितना आ गया मैम सिग्मा, सिग्मा वाई आ गया सेवेंटी डिवाइडेड बाय में एन एन का मतलब क्या है मैम नंबर ऑफ आइटम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी है मैम सेवन ही है सेम तो सेवन टेन द सेवेंटी तो क्या आ गया मैम वाई बार कितना आ गया मैम मेरे पास आ गया वाई बार आ गया मैम मेरे पास टेन वाई बार कितना आ गया मैम मेरे पास टेन आ गया वाई बार तो कुछ भी नहीं है मैम वाई में से वाई बार माइनस कर दो ये मेरे पास वाई रहा वाई बार मेरे पास निकल गया तो कर दो भाई फोर में से दस गए चार में से दस गए ठीक है सेवन माइनस ठीक है एट माइनस टेन नाइन ठीक है टेन माइनस ठीक है ten फोर्टीन माइनस टेन और लास्ट में क्या बचा बेटा आपका एटीन माइनस का टेन तो कर दो भाई माइनस का सिक्स माइनस का थ्री माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना माइनस का टू माइनस का वन जीरो कितना आया इसका फोर पॉजिटिव का है और ये कितना आया पॉजिटिव का एट क्लियर है इतना अच्छा समझ आया अब क्या करना है निकालना क्या है फटाफट फड़ से देखो ये हो गया आपके पास आपके पास स्मॉल एक्स भी आ गया स्मॉल वाई भी आ गया मैम निकालना तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है एक्स इंटू वाई तो कर देते हैं मैम कोई इशू नहीं है एक्स भी है मेरे पास वाई भी आ गया मेरे पास दोनों को क्या कर दूंगी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा है सिग्मा का मतलब जो भी मल्टीप्लाई करके आया लास्ट में इनका टोटल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई तो कर देती हूँ कोई इशू नहीं है मैम सिग्मा एक्स वाई तो मल्टीप्लाई कर दो भाई थ्री सिक्स दिक्कस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे थ्री टू दिक्स टू थ्री दिक्कस एक ही बात है थ्री टू दिक्स माइनस माइनस प्लस टू वन दू जीरो वन दीरोना जीरो को किससे भी करो जीरो वन जीरो दीरोट और थ्री एट द्वेंटी फोर आ गया है मेरे पास आंसर अब क्या करूंगी मैं सबको प्लस कर दूंगी सबको प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई तो कर देते हैं मैम सबको प्लस देखो भाई 24 प्लस 6 कितना हुआ 24 प्लस 6 तो मैम 30 हो गया है ना 30 हो गया 38 और ये 2 40 40 प्लस 18 कितना हो गया मैम 8 और 8 58 कितना हो गया मैम मेरे पास सिग्मा xy कितना हो गया मैम मेरे पास फिफ्टी एट हो गया मेरे पास फिफ्टी एट ईजी है यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आई गेस यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा लो जी अब यहाँ तक क्लियर है मैम आगे क्या निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वेयर मतलब, मतलब जो मेरे पास सिग्मा एक्स है उस मतलब जो मेरे पास एक्स निकला ना एक्स का स्क्यर कर दू मैं और लास्ट में क्या कर दू उसका टोटल कर दूँ यानी मुझे एक्स का स्क्यर निकालना है एक्स मैम मेरे पास है पड़ा ये मैंने एक्स निकाला अब मैं क्या कर दूंगी मैम यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर कर दूंगी उसके बाद मैम क्या करना है मुझे वाई है वाई का स्क्वेयर करना है यहाँ पे क्या करना है मुझे वाई का क्या करना है मैम स्क्वेयर करना है कोई इशू नहीं है मैम एक्स मेरे पास है वाई मेरे पास है तो दोनों का स्क्वेयर कर देती हूं थ्री थ्री दाइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू टू दाइनस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन वन दिन हो जाएगा जीरो को किसी से भी कर लो जीरो वन वन दन हो जाएगा टू टू दा 4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या बेटा थ्री थ्री दा क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा क्लियर इतना? है इतना यहां तक डन है चलो आगे चलो जी सिग्मा एक्स स्क्वायर कर देती हूँ मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर है X square है उसका सिग्मा यानी इसका क्या कर दो टोटल कर दो तो कर देते टोटल क्या हो गया भाई नाइन और ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट कितना हुआ यहाँ पे ट्वेंटी एट एक बार चेक कर लेते हैं नाइन और वन टेन ले लो नाइनटीन और ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर प्लस फोर कितना हो गया ट्वेंटी एट ठीक है यहाँ तक चले बिल्कुल सही चल रही है कैलकुलेशन ठीक है अब वाई स्क्र वाई स्क्र में क्या है बेटा वाई स्क्र मेरे पास ये है ये मेरे पास वाई है ये मेरे पास वाई है, है ये मैंने निकाला है अब इसका स्क्वेयर कर दूंगी सिक्स दर्टी सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री थ्री था नाइन टू टू दूस वन वन दन जीरो जीरो फोर फोर था सिक्सटीन एट एट दिक्सटी फोर सबको कर दे सिग्मा वाई स्क्वेयर आ जाएगा क्योंकि निकालना क्या है सिग्मा वाई स्क्र वाई स्क्वेयर निकालने के बाद उसका क्या कर दूँगी टोटल करना है सबका कर दे फटाफट से टाइम नहीं है तो फटाफट से हम इससे कर लेते हैं कैलकुलेटर का थर्टी सिक्स प्लस नाइन प्लस फोर प्लस वन इकट्ठा लिख रही हूँ फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटी फोर इक्वल टू ये आ रहा है मेरे पास वन थर्टी कितना आ रहा है मेरे पास वन थर्टी क्लियर इतना आप भी करके देखना हाथ से आपका वन थर्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा प्लीज मुझे बताना मेरे पास आ रहा है वन थर्टी तो कोई नहीं अब फॉमूला लगा दू मैं ये रेज कर दूँ इरेज कर रही हूँ मैं लो जी मैम ये इरेज कर रही हूँ मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि मैं यही करना चाह रही हूँ देखो निकालने है आर इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एक्स वाई एक्स वाई कितना सिग्मा एक्स वाई कितना है मैम फिफ्टी एट कितना है मैम फिफ्टी एट सिगमा एक्स वाई को मैं सीधा लिख रही हूँ फिफ्टी एट है भाई डिवाइडेड बाय में पूरा का पूरा रूट लगाना है सिगमा एक्स कितना है मैम ट्वेंटी एट कितना है मैम ट्वेंटी एट इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर मैम कितना है 130 मैम कितना है 130 सबसे पहले 130 और 28 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं थर्टी वन थर्टी इन टू में 28 28 है तो कितना आ रहा है आपका 3640 करके देखो आपका भी आ रहा है 3640 R आर इक्वल टू फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई में यार है थ्री सिक्स फोर जीरो अब आपको क्या करना है इसका रूट खोलना है इसका क्या करना है बेटा रूट खोलना है तो एक बार रूट भी खोल देते हैं हम थ्री सिक्स फोर जीरो का रूट खोलेंगे तो आपका आंसर आ रहेगा सिक्सटी पॉइंट थ्री थ्री कितना आ रहा है आपका सिक्सटी पॉइंट थ्री थ्री 60.3 थी अब सुनो मेरी बात यहाँ पे मैं रूट का प्रोसीजर नहीं समझा रही हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो मैं आपके लिए पक्का प्रॉमिस है मेरा मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं अब ये थ्री सिक्स फोर जीरो का कैसे रूट खोलेंगे जो मैंने सिक्सटी पॉइंट थ्री थ्री निकाला ना ये मैं क्वेश्चन आपको पक्का कराने वाली हूँ एक वीडियो बनाने वाली हूँ ठीक है पंद्रह बीस मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी छोटी वीडियो ही कोशिश करूंगी वहाँ पे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल के साथ समझाने वाली हूँ कि उसको कैसे निकालते हैं ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय में कर देते कोई नहीं 58 डिवाइडेड बाय में सिक्सटी पॉइंट थ्री थी रुको फिफ्टी डिवाइडेड बाय में 60.33 कितना आया मैम जीरो नाइन सिक्स आ, आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है कोई नेगेटिव का साइन है पॉजिटिव में आ रहा है क्या रहे? आ रहा है मैम कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन कितना आया मैम पॉजिटिव का जीरो पॉइंट नाइन सिक्स अब यहां से कहानी समझो यहां से एक चीज समझो अब आप मुझे बताओ डिग्री ऑफ कॉरिलेशन क्या है ये पॉजिटिव है तो पहले तो यहां लिख देना मैम पॉजिटिव कॉरिलेशन मैम पॉजिटिव कोरिलेशन यहां तक तो समझ आ गया अब आप देख रहे हो यहां पे 0.96 है पॉजिटिव से तो पॉजिटिव कॉरिलेशन लिख दिया अगर यहां नेगेटिव होता तो नेगेटिव कॉरिलेशन लिख देते 0.96 किसके बीच में लाई करता अगर आपको याद हो मैंने ये पूरी वो बताई थी आपको 0.75 से वन 0.25 से 0.75 और 0 से 0.25 ये आपके लिए हाई होता है ये आपके लिए मॉडरेट कोरिलेशन और ये आपके लिए लो कोरिलेशन अब 0.96 किसके बीच में आता है मैम 0.96 तो इसके बीच में आएगा मैम इसके बीच में आएगा तो ये क्या मैम हाई है तो यहाँ क्या आएगा आपका ये सो दिस इज योर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है बेटा आपका हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्लियर आपको समझ आए क्यों हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन है सिंपल है पॉजिटिव का साइन है कहां गया बेटा पॉजिटिव का साइन है तो दिस इज पॉजिटिव कॉरिलेशन अब बात करें जीरो पॉइंट नाइन सिक्स जीरो पॉइंट नाइन सिक्स तो इसमें आएगा इसमें आएगा तो ये क्या है हाई है तो ये क्या आपके लिए हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन डन है चले आगे चलो जी तो ये क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आएगा धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं मेरे साथ करो आप भी आपका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट है जा आपको कॉफिशन कॉ निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है बेटा आर निकालना है शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो फॉर्मूला आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा ही दिया था कैसे निकालते हैं सिगमा डीएक्स इंटू में डीवाई अब उसको खोल दिया डीएक् को अलग लिखेंगे डीवाई को अलग लिखेंगे दो रूट लगाएंगे सबसे पहले पहले में डी एक्स को उठा लिखेंगे डी वाई वाले टर्म को यहाँ उठा के लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा डी एक्स स्क् माइनस सिगमा डीएस का हो स्क्र डिवाइडेड बाई मैन सिग्मा डीवाई का स्क्वेयर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्कीयर डिवाइडेड बाई मैन अगर एक याद हो गया तो दूसरे में सिर्फ एक्स और वाई का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है डिट्टो का डिट्टो है ठीक है आसान है चलो आगे अब प्राइस और सप्लाई गिवन है मान लो ये दो ये आपके लिए लास्ट है वाई कितना है आपके पास टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ये क्वेश्चन भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा सेम डिटो क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी क्लियर है इतना अच्छे समझ आया चलो अब निकालना क्या है मैम निकालना तो हमें dx और dy है सबसे पहले डी एक्स निकालना और dy निकालना अच्छा मैम dx का मतलब तो हमें पता ही था आपने क्या होता होते है मैम एक्स माइनस ए होता है ना मैम डी एक्स का मतलब क्या एक्स माइनस है और मैम डी वाई का मतलब क्या होता है मैम वाई माइनस है क्या होता है मैम मतलब वाई माइनस है तो पहले मैं एक्स में से ए माइनस कर देती हूँ सबसे पहले मैं एज्यूम मीन करती हूँ मैम मान लो ये मेरा एज्यूम मीन है एक्स में से और वाई में से मेरा एज्यूम मीन क्या है ट्वेंटी कोशिश किया करो बीच का ले के लिए बाकी आप कोई भी ले सकते हो फोर भी ले सकते हो सिक्स भी ले सकते हो एट भी फिफ्टीन भी ट्वेंटी भी लेकिन कोशिश किया करो सेंटर वाला लेने के लिए एट ले लिया और मैंने यहाँ क्या ले लिया बेटा ट्वेंटी ले लिया ठीक है तो निकालना क्या है मैम मैंने डी एक्स निकालना है क्या निकाला है मैम डी एक्स डी एक्स का मतलब क्या है मैम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ बेटा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए यहाँ पे रेस करूँ यहाँ पे लिख दूंगी ना स्पेस है डी एक्स का मतलब क्या है मैम डी एक्स का मतलब क्या होता है मैम एक्स माइनस ए और ए क्या ले लिया मैम मैंने ए ले लिया यहाँ पे एट क्या ले लिया मैम मैंने ए ले लिया यहाँ पे एट ले लिया ए एट चलो जी तो कर दो एक्स है मेरे पास फोर फोर में से एट गया छः में से आठ गया आठ में से आठ गया पंद्रह में से आठ गया और बीस में से आठ गया सिंपल है इजी है यहाँ तक अब कर दो चार में से आठ गया कितना हो गया माइनस का फोर माइनस का टू कितना आया यहाँ पे मैम जीरो आया पंद्रह में से आठ गया आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह प्लस का सेवन और ये कितना आया मैम प्लस का बारह है ना बीस में से आठ गया कितना आया मैम प्लस का बारह बारह डी निकल गया मैम डी निकल गया चलो पहला क्वेश्चन पहला एक तरह से निकल गया हमारा टॉपिक अब निकालना क्या मैम डी वाई निकालना है मैम डी वाई का मतलब क्या था मैम डी वाई का मतलब ही कर देंगे मैम डी वाई मतलब वाई माइनस ए सेम ए मैंने क्या ले लिया मैम टू लिया ए मैंने सॉरी ट्वेंटी लिया देख पा रहे हो यहाँ पे ए मेरा क्या है यहाँ पे ट्वेंटी है ये भी मेरा ए है और ये भी मेरा क्या है ए है ए मैंने क्या ले लिया ट्वेंटी तो कर दो बेटा वाई माइनस ए कर दो तो टेन में से ट्वेंटी गए दस में से बीस गए पंद्रह में से बीस गए है ना बीस में से बीस गए ठीक है पच्चीस में से बीस गए और लास्ट क्या बच्चा आपके पास तीस में से बीस गए हो गए इतना चले अब इसको सॉल्व करो मेरे साथ दस में से बीस गए मैम माइनस का दस मैम माइनस का दस पंद्रह में से बीस गए मैम माइनस का फाइव मैं अलग अलग से लिख दू क्यों क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है खिचड़ी ना बन जाए फिर आपको समझ नहीं आएगा मैम ये क्या है मेरे लिए माइनस का दस मैम ये मेरे लिए क्या निकला है माइनस का फाइव और ये क्या है मेरे लिए बीस में से बीस उस गया जीरो और यहाँ देखो मैम पॉजिटिव का फाइव बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा मैम पॉजिटिव का टेन बचेगा क्लियर है इतना यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटा चले आगे चलो अब आगे देखो अब मैम dx भी निकल गया dy भी निकल गया दोनों निकल गए dx भी निकल गया dy भी निकल गए अब क्या करते हैं मैम dx dy को मल्टीप्लाई करते हैं यही बोला है डीएक्स और dy को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं मैम डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई कर दो तो कर देते मैम फोर टेन 40 माइनस माइनस प्लस टू फाइव 10 माइनस माइनस प्लस जीरो जीरो दीरो सेवन फाइव दर्टी फाइव ट्वेल्व टेन दन टू जीरो वन ट्वेंटी आसान कोई इजी लगा सिंपल अब डीएक्स डी वाई तो हो गया मैम dx dy हो गया dx को मल्टीप्लाई dy को कर दिया अब लास्ट में क्या निकालना मैम सिग्मा निकालना है सिग्मा का मतलब क्या इन सब का टोटल करना है तो मैम इन सब का टोटल कर देते हैं सिग्मा dx और dy निकाल देते हैं मैम फटाफट से टोटल करते हैं और आंसर निकालते हैं लो जी मैम कैलकुलेटर निकालते हैं 120 प्लस पैंतीस प्लस 40 प्लस टेन कितना हो गया आपका 50 हो गया मैम ये आ गया मेरे पास 205 मैम कितना आया मेरे पास दो का पाँच 205 ठीक है मैम अब मेरे पास ये आ गया सिग्मा डी मैं निकाल चुकी हूं सिग्मा डीवाई मैं निकाल चुकी हूं मैं निकाल चुकी हूँ सिग्मा डी मैं निकाल चुकी हूँ इन दोनों का सम कर दो सिग्मा डीएस का सम करना है और सिग्मा डीवाई का सम करना है तो कोई नहीं मैम इन सब का भी सम कर देते इसका भी सम कर देते इसका भी सम कर देते तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा डी आ जाएगा और सिग्मा डी आ जाएगा आ जाएगा तो कर दो सब का टोल ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व प्लस कितना हुआ भाई ट्वेल्व प्लस मैम 19. 19 में से दो गए 17 और 17 में से फोर गए है। -10 का, +10 का कर -5, प्लस का फाइव तो ये तो मैम आ गया जीरो मैम जीरो आ गया आसान था आसान था आगे देखो बेटा आगे है डी एक्स का स्क्र डी एक्स का स्क्र का, का मतलब है जो आपने डी एक्स निकाला अब उसका स्क्वेयर कर देते हैं है, मैम तो डी x का स्क्वायर और क्या निकालना है और भी देख लेते हैं है, मैम पे जो मैंने डी वाई करना है, तो मैं निकाल उसको डी एक्स का स्क्वायर स्क्र का स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे फोर फोर दिक्कटीन माइनस माइनस प्लस टू टू दीरोल्व ट्वेल्व द वन फोर्टी फोर इतना क्लियर है अब इन सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास सिग्मा डी एक्सक्वेयर आ जाएगा सिग्मा डी एक्सक्वेयर आ जाएगा सिग्मा का मतलब क्या होता है मुझे आप बताओ सिग्मा का मतलब मैम टोटल होता है सोलह प्लस चार मैम कितना हुआ बीस हुआ कितना हुआ मैम बीस हुआ प्लस फोर्टी नाइन प्लस वन फोर फोर कितना हुआ मैम दो सौ तेरह सिगमा डी एक्स स्क्र कितना हुआ मैम टू वन थ्री कितना हुआ मैम टू वन थ्री कितना हुआ दो सौ तेरह हो गया हो गया दो सौ तेरह अब आगे देखो सिगमा डी वाई का स्क्वेयर सिगमा डी वाई का स्क्वेयर निकालना है ये रहा सिग्मा डी वाई स्क्र यहां कंफ्यूज नहीं हो, हो जाना है यहां पर डी एक्स का डीएक्स उठाना है और लास्ट में यहां स्क्वेयर करना है करके दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा सिर्फ हमें सिग्मा डी वाई का स्क्वेयर निकालना है डी वाई मेरे पास गिवन है ये रहा डी वाई डी वाई का यहाँ पे क्या दो? कर दो स्क्वेयर कर दो सो दस दस दंड्रेड माइनस माइनस प्लस फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो दीरो फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव और टेन टेन दा कितना हो जाएगा बेटा हंड्रेड कितना हो जाएगा हंड्रेड तो so, ये क्या मेरे पास सिग्मा डी वाई का स्क्वेयर तो कर दे ऐड सब ठीक है 100 प्लस 100 200 और ये क्या हो गया 50 तो ये तो 250 हो गया ये कितना आ गया आपके पास 250 250 तो फड़ावर से वैल्यू डाल दो फड़ावर से वैल्यू डालो सिग्मा dx dy ये क्या है आपके पास गिवन है सिग्मा dx dy हमने निकाला है ये निकाला सिग्मा dx dy कितना निकला 205 कितना निकला 205 माइनस सिग्मा 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 कितना 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 निकाला है? Sigma dx, sigma ds कितना निकाला है 13, कितना निकाला है एक दो तीन चार पांच डिवाइडेड बाय में फाइव मतलब अब पूरे का डिवाइड करेंगे दो रूट डालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे दो रूट और इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है अब सिग्मा डी एक्स सिग्मा सिग्मा डी 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 एक्स एक्स ये रहा उसको स्क्सर यह सो तेरा टू वन थ्री माइनस सिग्मा डी एक्स का होल मैम सिग्मा डी एक्स कितना है मेरा तेरह तेरह का होल स्क्र मैम थर्टीन का होल ठीक है डिवाइडेड बाय में एन एन कितनी है मैम एन हमने निकाली फाइव यहाँ पूरे का स्क्वायर नहीं है सिर्फ थर्टीन का स्क्वायर है याद रख लेना प्लीज बच्चे कई बार पूरे का स्क्वायर कर देते हैं फाइव का भी स्क्वेयर कर देते ट्वेंटी फाइव जो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे अब सिग्मा डी वाई का स्क्वेयर डी वाई का स्क्वेयर का मतलब क्या है ये डी वाई स्क्वायर ये सिग्मा वाई स्क्वेयर मतलब 250 कितना है बेटा यहां पे 250 फाइव जीरो

माइनस में कर दिया जीरो हो जाएगा यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है मुझे लगता है यहाँ तक हो जाएगा आगे देखो दो ये रूट कर लो पहले और ये भी रूट कर लो ठीक है बीच में मल्टीप्लाई दो माइनस 13 माइनस थर्टीन थर्टीन दर्टीन और थर्टीन दा थ्री दाइन थ्री वन 3 वन थ्री 3 वन वन 1 तो कितना आ गया वन सिक्सटी नाइन आपको पता है वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाय में फाइव हो जाएगा इतना आगे जीरो 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 का में जीरो जीरो तो यहाँ पे तो बचा ही कितना बेटा आपके पास क्या बचा आपके टू फिफ्टी तो एक बार फटाफट से सॉल्व करो वन सिक्सटी नाइन को डिवाइड करो फाइव से वन सिक्सटी नाइन को डिवाइड करो फाइव से वन सिक्सटी नाइन डिवाइडेड बाई में फाइव कितना आया थर्टी थ्री पॉइंट एट यहां मैं लिख रही हूँ आर इक्वल टू दो सौ पांच ऊपर ठीक है दो रूट है आपके पास एक ये रूट है एक ये रूट है 213 माइनस इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 33.8 ये कितना है आपके पास ढाई का ढाई ये कितना आपके पास ढाई का ढाई इतना क्लियर आपको यहां तक चले अब मुझे स्पेस चाहिए मैं कहाँ लिखूं बट मैं अगले पेज पे भी नहीं जाना चाह रही तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यहाँ लिख दूँ थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे ठीक है यहां पे देखो आर इक्वल टू ऊपर क्या है दो अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि पहचान हो जाए ठीक है अलग कलर से लिख रही हूं एक बार देख लेना ठीक है लोज यू पांच है कंफ्यूज मत होना ठीक है अब मैं कह रही हूं आर इक्वल टू ऊपर क्या है दो सौ पांच डिवाइडेड बाय में अब दो सो तेरह माइनस थर्टी थ्री पॉइंट एट करो दो सो तेरा माइनस थर्टी थ्री पॉइंट एट कितना आया यहां वन सेवन नाइन पॉइंट टू ये भी क्या है स्क्वेयर रूट में किसमें है स्क्र रूट में इन टू में ये कितने में 250 टू फिफ्टी का स्क्वेयर रूट में है. तो आर इक्वल टू अरे 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 कोई ना यू नो द बेस्ट आर इक्वल टू दो पांच सॉल्व करो वन 179 179.2 नाइन पॉइंट टू वन नाइन पॉइंट टू मेरा आ रहा है थर्टीन पॉइंट थ्री एट कितना आ रहा है थर्टीन पॉइंट थ्री एट

डिवाइडेड बाय में टू वन वन पॉइंट फाइव अब इसको सॉल्व कर देते हैं दो सौ पांच डिवाइडेड बाय में टू वन वन पॉइंट फाइव ये आ रहा है आपके पास जीरो पॉइंट नाइन सिक्स जीरो पॉइंट नाइन सिक्स पॉजिटिव का ही आ रहा है पॉजिटिव का ही आ रहा है क्लियर है अब देखो अभी भी बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे मैम स्क्यर रूट निकालना नहीं आता तो प्लीज़ मैं आपको बारी बारी यही बोलूंगी बच्चा लोग आपके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ अगर मैं स्क्वेयर रूट निकालने लगी तो आधा घंटा सिर्फ स्क्यर रूट में ही लग जाएगा आपको और मैं नहीं चाह रही कि आपको इतना लंबा जाए चैप्टर जीरो है तो पॉजिटिव का है पॉजिटिव का है तो मैम ये क्या होगा ऑब्वियसली पता चल रहा है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव कॉ है पॉजिटिव कॉ है ठीक है आगे देखो मैम 0.96 है मैम हमने बात करी थी क्या बात करी थी मैम लास्ट वाले एक बार क्वेश्चन पे देख लेते हैं ये टर्म थी 0.96 पॉइंट कहाँ आएगा मैम 0.96 तो यहीं पे ही आएगा यहीं पे आएगा तो मतलब क्या होगा मैम मतलब ये हुआ कि मैम ये भी क्या है पॉजिटिव कॉ रिलेशन ही है मैम ये भी क्या है पॉजिटिव कॉर है ठीक है पॉजिटिव है और ऊपर से क्या है ये हाई है हाई में आ रहा था हमने देखा ये हाई में आ रहा था तो ये क्या आपके लिए हाई पॉजिटिव को रिलेशन प्लीज एक बार दोबारा से देख लो यहां आपको समझ आ रहा होगा इसके बीच में आ रहा है और इसके बीच में क्या है ये हाई है अगर इसके बीच में आता तो मीडियम इसके बीच में आता तो लो लेकिन आग इसके बीच में जीरो पॉइंट नाइन से तो इसके बीच में आ रहा है तो ये क्या बेटा है आपके लिए हाई पॉजिटिव को क्या है बेटा आपके लिए हाई पॉजिटिव को रिलेशन डन है दिस इज योर आंसर ठीक है ये भी लिखना है और ये भी लिखना है नंबर कट जाते हैं कई बार पूछा जाता है भी टाइप का कोरिलेशन है तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा देखो है आपका कैलकुलेट कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालना क्या है ऑब्वियस बात है आर निकालना है ये हमें पता है ठीक है पेन का कलर चेंज प्राइस गिवन है डिमांड गिवन है एक्स गिवन है वाई गिवन है एक्स कितनी गिवन है पांच दस कितना भाई पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा देख लेना एक बार डिमांड यानी वाई कितनी गिवन है ना? आपके पास दो वेरियबल्स है एक्स और वाई फोर्टी थर्टी फाइव थर्टी फोर्टी थर्टी फाइव थर्टी ट्वेंटी फाइव और दस क्लियर है फॉर्मूला क्या था मैम कुछ भी नहीं था सेम शॉर्टकट मेथड था उसके बाद डैश डैश लगा दो बन गया हमारा स्टेप डिविजन मेथड क्योंकि हमने स्टेप डिविजन से करना है देखो तीन मेथड्स हैं काल पियर्सन वाले डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड स्टेप डिविजन डायरेक्ट मेथड आपको करा दिया शॉर्टकट मेथड आपको करा दिया तीसरा क्या आपका स्टेप डिविशन है वो भी आपको करा रही हूँ ये वाला टॉपिक समाप्त उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा आपका स्पीर्समैन रैंक कॉरिलेशन वाला वो भी हम करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे ठीक है फॉर्मुला आप देख पा रहे हो सेम शॉर्टकट मैथड उसके बाद डैश 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 लगाते जाओ अब यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या है मैम डी डैश का मतलब क्या है मैम डी डिवाइडेड बाई में सी और डी का मतलब मैम हमें पता है डी का मतलब क्या होता है मैम डी का मतलब क्या होता है एक्स माइनस क्या होता है मैम एक्स माइनस तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं उसके बाद डी डैश निकाल लेते हैं तो सबसे पहले मैम डी एक्स निकाल लेते हैं मैम डी एक्स निकाल लेते हैं मैम ऊपर वाला इरेज कर रही हूं ताकि मुझे अगर कुछ लिखना पड़े तो मुझे क्लियर हो जाए तो मैं क्या निकाल रही हूँ मैम डी एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है मैम एक्स माइनस ए क्या मतलब है एक्स माइनस ए तो पहले ए अज्यूम कर ले तो ए मैं ले रही हूँ फिफ्टीन ए मैं ले रही हूँ मान लो फिफ्टीन ए मैं ले रही हूँ मैम फिफ्टीन तो कर देते मैम फाइव में से फिफ्टीन गए फाइव में से फिफ्टीन गए तो मैम कितना आया माइनस का दस टेन में से फिफ्टीन गए टेन में से फिफ्टीन गए फिफ्टीन में से फिफ्टीन गए ट्वेंटी में से फिफ्टीन गए और ट्वेंटी फाइव में से फिफ्टीन गए ठीक है तो कर दे लो जी ये क्या आया माइनस का फाइव ये क्या आया जीरो क्या आया प्लस का फाइव और ये क्या आया प्लस का टेन ठीक है अब हमने निकालना है बेटा यहाँ पे डी एक्स हो गया हमारे पास ठीक है अब हम निकालेंगे डी एक्स डैश डी एक्स डैश का मतलब क्या था मैम डी एक्स बाई में सी अब निकाल लिया तो डी एक्स बाई में सी कर देते हैं है, मैम डी एक्स डैश जिसका मतलब क्या था मैम डी एक्स डिवाइडेड बाय में

मैम डी वाई डैश निकालना है, तो सेम है कर दो तो बेटा डी वाई डैश डी वाई डैश का मतलब क्या है मैम सेम डी वाई बाई मे सी और डीवाई का मतलब क्या है मैम जैसे डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए है तो डीवाई का मतलब क्या हो जाएगा मैम वाई माइनस ए तो सबसे पहले मीन करेंगे मीन मैंने ले लिया यहाँ पे वाई में से अब एज्यूम मीन लूंगी पहले एक्स में से लिया तो अब वाई में से ज्यूम मीन मैम बीच वाला ले लेती ले हूँ ये थर्टी ठीक है तो अब निकाल देती हूँ मैम मैं पहले सबसे पहले क्या निकालूंगी डीवाई निकालूंगी देन निकालने के बाद डीवाई डैश निकालूंगी तो सबसे पहले मैम मैं निकालूंगी

थर्टी माइनस थर्टी ये तो मैं जीरो ही लिख देती हूँ ट्वेंटी फाइव माइनस का थर्टी और टेन माइनस का थर्टी टेन माइनस का थर्टी तो कर दो सॉल्व इसका क्या आंसर आया मैम पॉजिटिव का टेन इसका क्या आंसर आया है मैम पॉजिटिव का फाइव मैम इसका आंसर क्या है मैम माइनस का फाइव और इसका आंसर क्या है मैम माइनस का टेन में से थर्टी गए तो माइनस का ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी तक तक कोई दिक्कत निकाल लिया डी वाई निकाल लिया अब मैम क्या करेंगे मैम तो वाई डैश का मतलब क्या है मैम डीवाई डिवाइडेड बाई मे सी मैम डी वाई डैश का फॉर्मला है डीवाई है मेरे पास सी मैं देख लेती हूँ क्या है मैम सी देख लेती हूँ इनका गैप देख लेती है फाइव का फाइव का है और फाइव का है ना मैम हर बार का गैप कितना आ रहा है मेरे पास अरे 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 मैम एक चीज़ तो गड़बड़ कर दी आपने यहाँ पे तो मैम ट्वेंटी है फोर्टी थर्टी फाइव थर्टी ट्वेंटी फाइव वो ट्वेंटी ये तो गड़बड़ होगी यहाँ पे अब यहाँ पे गड़बड़ हुई तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ हुई तो कोई नहीं मैम यहाँ पे क्या करेंगे वाई मेरे पास क्या आता ट्वेंटी है तो यहाँ वाई मैं क्या ले लूँगी ट्वेंटी थर्टी यहाँ पर बस टेन आ जाएगा बस फर्क इतना होगा कुछ फर्क नहीं हुआ यहां ये गड़बड़ हुई थी 20 की तो यहीं पे एक मिस्टेक निकली है वो मिस्टेक क्या है ट्वेंटी माइनस थर्टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10 यहां पे आप भी देख लेना कुछ बच्चे होंगे जो मैम उन्होंने सही लिखा होगा और वो सोच रहे होंगे मैम का आंसर क्या आ गया तो सॉरी हां इसके लिए आई एम वेरी सॉरी ठीक है तो मैंने यहां पे गलत देखा तो यहां पे गलत आंसर निकला तो कोई इशू नहीं है फिर भी अब डी वाई डिवाइडेड बाई मे सी तो हर बार आप क्या देख रहे हो गैप कितने का पांच गया तो सी कितना आ गया मैम फाइव आ गया सी कितना आ गया फाइव तो कर देते मैम यहां पे भी कोई इशू नहीं है सी आ गया मेरे पास फाइव तो टेन डिवाइडेड

इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कोई बात नहीं मैम मेरे पास डीएक्स डैश भी आ गया डी वाई डैश भी आ गया इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कोई इशू नहीं है मैं डी एक्स डैश भी है डीवाई डैश भी है, है तो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ टू टू द फोर लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस का फोर वन वन दन आंसर क्या आएगा माइनस का जीरो जीरो दीरो वन वन दन लेकिन आंसर माइनस में टू टू लेकिन आंसर टू एरा टू रहा लेकिन आंसर क्या आएगा बेटा माइनस में क्लियर है इतना यहाँ तक क्लियर है तो मेरे पास dx डी वाई आ गया मल्टीप्लीकेशन अब इसका क्या निकालना है सिग्मा निकालना है सिग्मा dx डैश सिग्मा डी वाई डैश तो कर देते हैं करो भाई करो मुझे इसके साथ एट नाइन और एट टेन तो ये आ गया मेरे पास माइनस का टेन माइनस का टेन यहाँ तक डन है बच्चा क्लियर है आप सबको हो गया लोज एक बार रेस कर रही हूं यहाँ तक मेरा काम डन है अब अब क्या करना है मैम डी डैश का सिग्मा निकालना है मैम डी एक्स डैश तो निकाल ही लिया डी एक्स डैश का सिग्मा मतलब इनका टोटल निकाल देते तो तो कर देते मैम सिग्मा डी एक्स डैश का टोटल करें मैम फटाफट से देखते मैम माइनस टू प्लस टू मैम ये तो कट ही गया आसान ठीक है प्लस का वन माइनस का वन मैम ही तो कट गया ये तो आंसर तो ही जीरो आ गया खत्म ही होगी कहानी सबसे सोखा काम होता है मैम डीवाई डैश भी एक बार देख लेते हैं मैम डीवाई डैश भी निकाल लेते हैं मैम डीवाई डैश ये टू प्लस वन थ्री और ये भी माइनस थ्री तो ये भी मैम क्या आ गया मेरे पास सिग्मा डी वाई डैश कितना आ गया मैम मेरे पास जीरो मैम ये भी क्या आ गया मैम मेरे पास जीरो सबसे सौखा काम हो जाता है जीरो आ जाए सबसे ही थी. अब क्या निकालना है मैम डी एक्स डैश का स्क्वेयर डी एक्स डैश का स्क्वेयर तो मैम डी एक्स डैश तो निकाल लिया अब उसका स्क्वेयर कर देते क्या हो गया टू है टू टू दाइनस माइनस माइनस कट जाएगा वन वन दन जीरो जीरो दीरो वन वन दन और टू टू जाएगा मैम फोर आ जाएगा तो अब क्या करना है मैम डी एक्स डैश स्क्र जो है उसका सिग्मा करना है यानी इसको टोटल कर देना तो कर देते हैं फोर फोर एट नाइन और वन कितना आ गया टेन यानी सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वेयर कितना आ गया मैम मेरे पास पॉजिटिव का टेन पॉजिटिव का टेन अब क्या निकालना है मैम सिग्मा डी वाई डैश भी निकालना है अब जगह नहीं है जगह नहीं है तो मैं अब यहीं एडजस्ट कर रही हूं और जो सॉल्व है वो मैं एक अलग पेज पे कर दूंगी ठीक है तो यहीं पे निकाल रही हूँ मैं क्या निकालना है मैं मुझे सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वेयर सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वेयर डैश का स्क्वेयर दिख रहे हैं ना आप सबको कोई इशू तो नहीं हो रहा सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वेयर तो कर देते हैं मैम डी वाई डैश तो ये रहा अब इसका स्क्यर ही तो करना है अच्छा सिग्मा हटा दो ना सिग्मा मतलब नीचे करते हैं खाली डी वाई डैश स्क्र लिख देना डी वाई डैश का स्क्र डीवाई डैश कितना है मैम टू तो इसका स्क्र टू टू द फोर वन वन दन जीरो जीरो दीरो वन टू टू भी कर दो फोर फाइव फोर फोर एट नाइन और टेन ये भी मैम सेम आ गया सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वेयर कितना आ गया मैम टेन ही आ गया मैम कितना आ गया टेन सिग्मा का मतलब होता है टोटल इन सबको टोटल कर दिया तो सिग्मा डीवाई डैश का स्क्वेयर आ गया इतना डन है बच्चा चले आगे यहाँ तक डर तो यहीं पे स्पेस बचा हुआ है यहीं पे कर देते हैं कोई अलग से कलर से करते हैं कि वो आपको विजिबल भी हो जाए ठीक है निकाल रहे हैं, हम आर इक्वल टू आर इक्वल टू सिक्स डैश और, इसका और जो डैश मल्टीप्लाई करा उसका टोटल डी एक्स डैश डी वाई डैश ये इसका मल्टीप्लाई किया ये आया और इसका टोटल कितना आया माइनस का टेन माइनस का टेन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का

डिवाइडेड बाय में तो आपका आंसर क्या बच्चा टेन ठीक है तो आर इक्वल टू माइनस का टेन डिवाइडेड बाय में डिवाइडेड बाय में अब इसको कर दो ये क्या आ गया रूट का हंड्रेड आ गया टेन टेन दंड्रेड मल्टीप्लाई ही चल रहा है आपके बीच में तो ठीक है अब कर दो मैम माइनस का 10 अगर इसका रूट खोलेंगे तो ये तो सबसे सोख है 10 आया क्या आ गया आंसर आपके पास माइनस का 1 क्या आ गया आपके पास माइनस का 1 अरे ये तो बड़ा सोखा है मैम ये क्या है भाई परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ना 1 प्लस 1 क्या होता था पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 का मतलब क्या होता था मैम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव क्यों बोला वन आ गया तो परफेक्ट वाली सिचुएशन है नेगेटिव या माइनस का बच रहा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन लिख लेना पूरा पूरा हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन देन है समाप्त है उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा एक बार लास्ट टॉपिक पे चलते और चैप्टर को करते हैं भाई एकदम समाप्त तो देखो पहले मैन रैंक ऑरिलेशन को आप आर के से डिनोट करते हो ऑफ रिलेशन को खाली आर से मैन रैंक ऑरिलेशन को किससे डोनेट करते हो आर के किससे डिनोट करते हो बेटा आर के ठीक है देखो भाई कोरिलेशन है क्या होता है यहाँ पे भी सेम ही है तो नहीं गिवन होते आपके पास रैंक नहीं गिवन होते आप यहाँ पे भी रैंक्स निकालते हो यहाँ पे भी रैंक्स को निकालते हो लेकिन यहाँ पे जो रैंक्स निकालते हो ना वो इक्वल होते हैं यहाँ पे रैंक्स इक्वल होते हैं रैंक आर इक्वल यहाँ पे जो रैंक्स है वो इक्वल नहीं होते इसलिए तीनों को अलग कैटेगराइज किया गया तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं और इसको करेंगे इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है बेटा अलग है इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम जो था वो सिलेबस में नहीं था इस बार सिलेबस में डाल दिया है तो हम करेंगे ये वाला मैथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं बोल रही थी ना थर्ड मैथड ये वाला ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए

डी का मतलब क्या है रैंक का डिफरेंस जिसको हम निकालते हैं आर वन माइनस आर टू क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा यहाँ पे जो एन है ना एन का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स क्या है बेटा नंबर ऑफ आइटम एक चीज याद रखना बच्चे क्या करते हैं वन माइनस सिक्स वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वेयर पूरा का पूरा, पूरा एन क्यूब माइनस एन कर देते हैं ये फॉर्मूला आपका गलत है बड़े ध्यान से समझ लो यहीं पर मैं करा रही हूँ आपको क्या करना है वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वेयर सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे है इसके नीचे इसके नीचे डिवाइड नहीं है इसके नीचे डिवाइड है एन क्यूब माइनस एन तो वो जाके आपका आंसर आएगा ठीक है जब रैंक्स गिवन नहीं है तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे हो तीसरा फॉर्मूला ये है जब रैंक्स तो नहीं गिवन लेकिन जब आप रैंक निकालते हो तो वो इक्वल में निकलते कैसे निकलते क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप देख लो एक बार फॉर्मूला थोड़ा बहुत जितना समझ आ रहा है बाकी क्वेश्चन करने के बाद ही फॉर्मूला समझ आता है वरना इतना समझ नहीं आता वन माइनस सिक्स सेम ई डी स्क्वेयर सेम ई डी मतलब सिगमा डी स्क्वेयर यहाँ तक सेम है प्लस वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम प्लस वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम ये चलता रहेगा जितना मर्जी है डिवाइडेड बाय में डिवाइडेड अच्छा यहाँ पे भी देखो यहाँ पे प्लीज यहाँ पे गलती होगी ना यहाँ पे क्या है इसके नीचे डिवाइड नहीं है देख लेना भाई यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना है ना सिर्फ और सिर्फ से सिक्स के नीचे डिवाइड है सिक्स के नीचे से डिवाइड है ये देख लेना इसके नीचे डिवाइड नहीं है वन माइनस वन बाहर है वन हमेशा बाहर होगा आपका ठीक है सिक्स सिग्मा डी स्क्वेयर और इसका क्यों यूज कर रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं अभी मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन में तो आपको क्लियर हो जाएगा एन क्यू माइनस एन एन का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स होता है ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहला क्या है आपके पास रैंक्स गिवन है स्पीयर्समैन वाले का एक क्वेश्चन करते हैं जब आपके पास रैंक्स गिवन है देखो इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन एक कंपटीशन था बेसिकली दो जजेस ने क्या करी रैंक्स दे दी दस बच्चों की दस पार्टिसिपेंट थी उनकी उनकी क्या दे दी रैंक दे दी तो कर लेते हैं क्वेश्चन निकालते हैं इसको मैं दे रही हूँ जज एक्स ये आपके लिए जज वाई तो यहां पे मैं लिख रही हूँ उसको एक्स और ये क्या है बेटा आपके लिए वाई क्लियर है एक्स क्या है वन टू थ्री वन से लेकर टेन तक है ये आपके पास रैंक्स ही गिवन है ये आपके पास रैंक गिवन है तो अगर मैं यहाँ बात करूँ आर और वो दे दू आर और आर वन दे देती दे हूँ उसको और आर टू दे देती दे हूँ क्योंकि हमने क्या बात करी कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बात करी कि आपको रैंक ही दे दी इन दो जजेस ने आपको रैंक्स गिवन तीन पार्ट है पहले का रैंक गिवन है दूसरे का रैंक गिवन नहीं है तो वो निकाल लें यही बात करी और तीसरा हम करेंगे उसको छोड़ दो एक बार वो अलग है ठीक है तो इसमें देखो रैंक्स गिवन है तो यहाँ पे रैंक ही गिवन है तो जज एक्स ने ये रैंक दी जज वाई में ये रैंक दी तो जज एक्स की रैंक को आर वन ले रही हो जज वाई की रैंक को आर टू ले रही है तो क्या दी उन्होंने वन कहां से लेके वन से लेके टेन तक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन स्पेस की कमी है देख लेना भाई ठीक है रैंक टू कितनी है दस छ पाँच, चार पाँच चार ये भी आपकी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन सात नौ आठ सेवन नाइन एट टू वन थ्री टू वन थ्री हो गया इतना अच्छे समझ आया अब फॉर्मूला देखो ये आपके पास रैंक वन है ये रैंक टू है यहां पे हमें निकालना क्या है डी स्क्र है पहले पहले डी स्क्वेयर निकालेंगे तो डी स्क्वेयर निकालने के बाद उसका सिग्मा है सिग्मा का मतलब टोटल तो सबसे पहले डी तो निकाले फिर डी स्क्वेयर करेंगे तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है आर वन माइनस आर टू क्या फॉर्मूला होता है आर वन माइनस आर टू तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे यहाँ पे जो डी है ना डी का मतलब होता है रैंक का डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले रैंक का डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे डी निकालेंगे रैंक का डिफरेंस यानी आर वन माइनस आर टू तो कर देते भाई एक में से दस गए वन माइनस टेन ठीक है टू माइनस सिक्स ठीक है थ्री माइनस फाइव ठीक है फोर माइनस फोर ठीक है फाइव माइनस सेवन ठीक है सिक्स माइनस नाइन पूरा लिख रही हूं क्योंकि माइनस प्लस की गलती ना हो कुछ भी आपकी सेवन माइनस एट एट माइनस टू और क्या है नाइन माइनस वन और लास्ट है दस में से तीन गए दस में से तीन गए ठीक है कलर चेंज कर रही हूँ लो जी अब बताओ यहाँ क्या है मैम माइनस का नाइन मैम यहाँ क्या है फोर फाइव सिक्स माइनस का दो माइनस का फोर यहाँ क्या है मैम दो और ए माइनस का मैम यहाँ ज़ीरो यहाँ बताओ टू आया लेकिन माइनस का मैम यहाँ पे सिक्स सेवन एट नाइन माइनस का थ्री यहाँ क्या आया मैम माइनस का वन मैम यहाँ क्या आया पॉजिटिव का छः मैम यहाँ क्या आया पॉजिटिव का आठ और यहाँ मतलब मतलब क्या है मैम पॉजिटिव का सेवन क्लियर इतना रैंक का डिफरेंसन यहाँ पे बेसिकली डी मतलब करना है देख पा रहे हो मैम अब डी का क्या करना है स्क्वायर करना है तो कोई नहीं मैम डी का स्क्वायर निकाल देते हैं मैम यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ मैं डी का स्क्वायर कर देती हूँ ठीक है जो नाइन नाइन दी वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर फोर दिक्सटीन ठीक है टू टू द फोर हर एक जगह जहाँ माइनस है वहाँ पॉजिटिव होता जाएगा क्योंकि स्क्वायर करते ही क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका जीरो जीरो द जीरो टू टू द फोर थ्री थ्री द नाइन वन वन दन सिक्स सिक्स द थर्टी सिक्स एट एट दिक्सटी फोर और सेवन सेवन द फोर्टी नाइन क्लियर इतना उसके बाद क्या करना है मैम डी टू डी का स्क्वायर निकालने के बाद सिग्मा 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 करना टोटल तो डी का टोटल कर देते हैं ना तो फटाफट से मैम एक बार टोटल करते हैं इनका और आंसर निकालते हैं फटाफट से इनका लो जी तो क्या आता है देखे इसका लो जी मैंने खोला कैलकुलेटर एटी वन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस फोर प्लस नाइन फोर प्लस नाइन प्लस वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन कितना आया टू सिक्सटी फोर कितना आया टू सिक्सटी फोर आया टू सिक्सटी फोर एक बार फिर भी मैं चेक कर लूँ दो मिनट लगेंगे एट्टी वन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस फिर से फोर प्लस फिर से नाइन्थ प्लस फिर से वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी नाइन बिल्कुल सही चल रहे हैं टू सिक्सटी फोर आ गया एक बार आप भी चेक कर लेना क्लियर है इतना चलो जी चेक करते हैं चलो अब ये हो गया आपका हमारे पास सिग्मा डी स्क्वेयर आ गया अब फुट कर देते हैं फॉर्मूले में आर के मतलब ये क्या आपके पास रैंक कॉरिलेशन वाला निकालना है आपने ठीक है अब देखते हैं रैंक कॉरिशन में आप क्या करोगे वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वेयर कितना है मैम टू सिक्सटी फोर कितना है मैम टू सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई में डिवाइडेड ध्यान देना वन के बाद डिवाइड नहीं है ये डिवाइजर जो है डिवीजन जो है वो सिक्स के बाद वाला है सिक्स से होगा सिक्स से है तो यहाँ पे सिक्स के नीचे होगा एन क्यूब माइनस एन एन मतलब नंबर ऑफ आइटम देखो कितनी है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस कितनी है दस तो देखो भाई दस का क्यूब माइनस दस ठीक है तो कर देते हैं मैम आर के इक्वल टू वन माइनस मल्टीप्लाई करो टू सिक्सटी फोर सिक्स टू सिक्स फोर सिक्स सिक्स फोर दी फोर सिक्स दर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट सिक्स थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन फाइव एट फोर वन फाइव एट फोर यहाँ सिक्स है ठीक है सॉरी वन माइनस गया और इन सबको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है डिवीजन कहाँ है सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे टेन का क्यूब एक हजार माइनस का दस इतना क्लियर है मैंने अभी तक क्या किया बच्चा देखो एक बार वन माइनस सिक्स ठीक है सिग्मा ये लिख दिया, लिख दिया दिया क्यूब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जो ये आया टेन क्यूब का करा खोल दिया तो एक हजार आ गया माइनस का टेन और वन बाहर का बाहर अभी डिवीजन जो भी है वो इनके नीचे हुआ ठीक है आर के वन माइनस अब इसको करो तो ये कितना आ गया एक हजार में से दस गए तो किसने आ? कितना नौ सौ नब्बे वन फाइव एट फोर डिवाइडेड बाय में नाइन नाइनटी ठीक है अब इसको कर देते एक बार करें एक बार इसको वन फाइव एट फोर डिवाइडेड बाय में नाइन 1584 वन फाइव एट फोर डिवाइडेड बाय में नाइन मैम वन पॉइंट सिक्स आर के वन माइनस वन पॉइंट सिक्स तो कितना आया मैम माइनस का बच्चा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स बच्चा माइनस का जीरो पॉइंट 6. तो आपका आंसर क्या आ गया जीरो पॉइंट सिक्स अब आप मुझे बताओ कॉफिशियंट ऑफ कॉरिलेशन आप ऑब्वियसली चैप्टर देख रहे हो इसमें बताओ नेगेटिव आंसर है तो पहले तो ये देख लो भाई मैम क्या है नेगेटिव कोरिलेशन है नेगेटिव कॉरिलेशन है ठीक है अब आंसर क्या है मैम आंसर है जीरो पॉइंट सिक्स आंसर क्या है मैम जीरो पॉइंट सिक्स से क्या था मैम मैम ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव से वन होता था ज़ीरो पॉइंट टू फाइव से ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव और ज़ीरो से ज़ीरो पॉइंट टू फाइव बारी बारी करवा रही हूँ ताकि याद हो जाए अभी तक तो ये क्या मैम मेरा हाई ये क्या मैम मेरा मीडियम और ये क्या मेरा लो ठीक है अब बताओ जीरो पॉइंट सिक्स किस में आएगा मैम जीरो पॉइंट सिक्स तो इसके बीच में आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव और जीरो पॉइंट सेवन फाइव के बीच में आएगा यानी ये क्या मीडियम है तो यहां क्या आ जाएगा मीडियम नेगेटिव कोरिलेशन क्या आ जाएगा बेटा आपका मीडियम नेगेटिव कोरिलेशन क्लियर है बच्चा अच्छे से समझ आया हो गया ये वाला टॉपिक समाप्त चैप्टर को तो अभी है टाइम दो क्वेश्चन और हमारे पास नेक्स्ट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन सॉरी व्हेन रेंस आर नॉट गिवन रैंक्स आर गिवन वाला तो कर लिया वो तो टॉपिक हो गया अब रैंक नहीं गिवन है तो रैंक्स को निकालेंगे अब ये आपके पास क्या है एक्स गिवन है आपके पास क्या गिवन है गिवन है अब आप रैंक को निकालोगे आप रैंक वन निकालोगे और रैंक को टू भी निकालोगे ठीक है तो कर देते कोई नहीं क्वेश्चन एक्स कितना गिवन है पंद्रह सतारह चौदह ये भी आपको आपकी बुक में मिलेगा क्वेश्चन पंद्रह सतारह चौदह तेरह आगे कितना भाई ग्यारह बारह सोलह ग्यारह बारह सोलह नेक्स्ट अठारह दस नो अठारह दस नो ओके बेटा चलो वाई पंद्रह बारह चार पंद्रह बारह चार छ सात नौ तीन छ सात नौ तीन दस दो पांच दस दो पांच अब रैंक्स निकालते हैं अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई गिवन है यहाँ पे आपके पास रैंक्स नहीं गिवन क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन तो वी विल फाइंड द रैंक्स तो रैंक्स निकाल लेते हैं देखो भाई अब रैंक्स कैसे निकालेंगे मैम रैंक कैसे निकालेंगे आपकी मर्जी आप असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हो लेस से मैं असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग कर रही हूँ ठीक है मैं असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग कर रही हूँ मतलब छोटे से बड़ा ठीक है अब सबसे छोटा नंबर क्या है मैम सबसे छोटा एक्स में से सबसे पहले छोटा नंबर मैम मुझे तो नाइन दिख रहा है तो मैं नाइन को क्या लिख देती हूँ मैम वन लिख देती हूँ मैं नाइन को वन लिख देती हूँ उसके बाद मुझे टेन ही लग रहा है तो मैं टेन को क्या कर देती हूँ मैम टू लिख देती हूँ मैम उसके बाद मुझे लग रहा है ग्यारह ग्यारह को मैम मैं क्या दे देती हूँ तीसरा रैंक दे देती हूँ मैम उसके बाद मैं बारह को क्या दे देती हूँ फोर्थ रैंक दे देती हूँ मैम बारह के बाद मुझे कोई दिख रहा है छोटा बारह के बाद मैम तेरह ही दिख रहा है तेरह को मैं फिफ्थ दे देती हूँ ठीक है चौदह को मैं क्या दे देती हूँ सिक्स दे देती हूँ ठीक है फोटीन के बाद फिफ्टी आ रहा है फिफ्टीन को मैं दे देती हूँ सेवन और फिफ्टीन के बाद मुझे सिक्सटीन दिख रहा है सिक्सटी को मैं दे देती हूँ मैम एट ठीक है सिक्सटीन के बाद मुझे सेवेंटीन भी दिख रहा है तो ये मेरे लिए नाइन हो जाएगा और एटीन मेरे लिए क्या हो जाएगा मैम टेन हो जाएगा ठीक है आप देख रहे हो ये मेरे रैंक्स आगे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया आप डिसेंडिंग में भी दे सकते हो बस इतना याद रखना अगर आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में दोगे अगर यहाँ पे डिसेंडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे दोनों जगह रैंकिंग का जो मेथड है ना असेंडिंग है तो उधर भी असेंडिंग डिसेंडिंग है तो उधर भी डिसेंडिंग एक ही होना चाहिए क्लियर है अब आर टू मतलब अब वाई में से रेंक दे रही हूँ सबसे छोटा अब यहाँ मैंने असेंडिंग लिया तो मुझे यहाँ पे भी असेंडिंग लेना ही पड़ेगा वो मेरी यहाँ मजबूरी बन गई ठीक है यहाँ पे अगर डिसेंडिंग लेती तो वहाँ पे भी डिसेंडिंग चलो अभी बार देख लेते हैं सबसे छोटा मेरे को नंबर दो दिख रहा है दो को मैं क्या दे रही हूँ वन दो को मैं दे रही हूँ वन ठीक है उसके बाद दो के बाद मुझे तीन दिख रहा है तीन को मैं दे देती हूँ तीन को मैं दे रही हूँ दो ठीक है एक बार है ना मैं इसके बीच में ये कर दू ऐसे ना कन्फ्यूजन हो जाएगी ठीक है ठीक है क्योंकि आगे माइनस भी करना है माइनस करते हुए इधर उधर हो जाएगा आपके पास तो नोटबुक है आपको तो कोई इशू होना नहीं है मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है तो मुझे तो देखो इशू हो सकता है है ना फिर क्वेश्चन गलत हो गया तो हो जाना इशू लो जी ठीक है अब मुझे इशू नहीं होगा ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप समझदार हो आई नो ठीक है दो को दे दिया तीन को दे दिया तीन के बाद क्या आएगा मैम चार आएगा चार को मैं दे देती हूँ तीन ठीक है चार के बाद मुझे पाँच दिख रहा है मैम पाँच दिख रहा है पाँच को मैं दे देती हूँ चार ठीक है फोर्थ रैंक मतलब फिफ्थ के बाद कौन सा छोटा उसके बाद कौन सा नंबर आएगा सिक्स आएगा सिक्स को मैं दे देती हूँ फिफ्थ सिक्स के बाद सेवन दिख रहा है इसको मैं दे, दे देती हूँ छः सेवन के बाद मैम मुझे दिख रहा है नाइन ही लग रहा है मुझे तो एट तो है ही नहीं नाइन है तो ये क्या है मैम सेवन उसके बाद नाइन के बाद देखो बड़ा नंबर क्या है मैम नाइन के बाद है एट आ जाएगा इसमें रैंक टेन दे दिया अब क्या बचा मैम ये बचा और ये बचा तो ठीक है ना मैम ये नाइन बचा और ये क्या बचा मैम टेन बचा मैम ये क्या बचा टेन बचा डन डन आ डन रैंक वन आ गई टू आ गई अब क्या करेंगे मैम डी निकालना है डी स्क्वायर है फॉर्मूला सेम ही है दोनों मेथड में फॉर्मूला सेम है बस तीसरे मेथड में फॉर्मूला अलग है क्यों अलग है वो रीजन अभी मैं बताऊंगी वो सस्पेंस अभी ठीक है डी स्क्वेयर निकालना है ठीक है डी स्क्वेयर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा डी का मतलब क्या होता है रैंक वन माइनस रैंक टू ठीक है तो ही आप उसका डी स्क्वेयर करोगे तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी मैम डी निकालूंगी क्या करूंगी मैम डी निकालूंगी डी का मतलब रैंक वन माइनस रैंक टू कर दूंगी उसके बाद मैं क्या कर दूंगी डी का स्क्वेयर कर दूंगी और आंसर आ जाएगा मेरा ठीक है तो डी आर वन माइनस आर टू आर वन कितना है मेरे पास ये एक बार मैं यहां पे भी कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ ठीक है और मैं भी अच्छे से कर पाऊँ क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना खिचड़ी बन जाएगी ठीक है चलो जी अब सेवन माइनस टेन सेवन माइनस टेन ठीक है आर आर वन माइनस 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 टू नाइन 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 सिक्स थ्री फाइव माइनस फाइव थ्री माइनस सिक्स फोर माइनस सेवन एट माइनस टू ठीक है टेन में से एट गए टेन में से एट गए ठीक है दो में से एक गया दो में से एक गया अरे भाई यहाँ तो जगह नहीं बची जगह नहीं बची फिर भी देखते करते हैं जस्ट, एक में से चार गया एक में से चार गया कहाँ लिखू यहां लिख दू एक में से चार गया थोड़ा एडजस्ट कर लेना तुम भी है ना समझदार हो तुम यहाँ एडजस्ट कर लेना मेरे पास स्पेस ही नहीं है मैं क्या करूँ ठीक है चलो जी सात में से दस गए सात में से दस गए मैम माइनस का थ्री इसमें करो जीरो मैम आगे छः में से तीन गए तीन जीरो माइनस का थ्री फोर में से सेवन कितना है फोर फाइव सिक्स सेवन तीन और माइनस का बचेगा एट में से टू गए सिक्स पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव का टू टू में, में से वन गए टू में से वन गए मैम वन और यहाँ क्या आ गया वन माइनस फोर ये भी क्या आ गया मैम माइनस का थ्री क्या आ गया मैम माइनस का थ्री डन है इतना माइनस का थ्री लो जी ये एक बार यहाँ ले रही हूँ मैं, ठीक है अब क्या निकालना है मैम डी स्क्वायर निकालना तो डी स्क्वेयर निकाल देते थ्री थ्री दा नाइन माइनस माइनस प्लस जीरो जीरो तो जीरो थ्री थ्री दा नाइन जीरो 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 थ्री थ्री दा नाइन थ्री थ्री दा नाइन सिक्स सिक्स दा थर्टी सिक्स टू टू द फोर वन वन दन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थ्री थ्री दा नाइन ठीक है स्पेस की कमी थी तो ऐसे कर दिया अब क्या करना है आपको डी स्क्वेयर निकालने के बाद सिग्मा करना है यानी इन सबका टोटल करना है टोटल की जगह नहीं बच रही तो टोटल में यहां कर रही हूँ यानी सिग्मा डी स्क्वेयर आप इसके नीचे ही लिखना तो कर दे सबका टोटल कर लो जी उठाते हैं कैलकुलेटर आप प्लीज हाथ से करना ठीक है थर्टी सिक्स ठीक है थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी हो गया सीधा ही ठीक है उसके बाद वन कर दो फोर्टी नाइन हो गया यहाँ पे फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी यहाँ तक तो फिफ्टी गया ये पूरा फिफ्टी ठीक है अब ऊपर चलते हैं ऊपर क्या है हमारे पास ऊपर है मैम मेरे पास रुको ये वाला नाइन प्लस का नाइन ठीक है फिर ये वाला नाइन प्लस का नाइन ठीक है अरे गया ये तो रुको दोबारा करते हैं पहले मैं इन सबको ऐड करती हूँ ठीक है फोर्टी प्लस नाइन प्लस वन टेन फिफ्टी फिफ्टी प्लस ये वाला नाइन ले रही हूँ फिफ्टी नाइन प्लस नाइन सिक्सटी एट प्लस नाइन ठीक है फिर प्लस नाइन कितना आया एट्टी सिक्स आ गया कितना आ गया एट्टी सिक्स कितना आ गया एट्टी सिक्स चलो जी अब आगे देखते हैं बेटा फटाफट पड़ से करते हैं आर के इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिक्स मैडी कितना निकाला मैम एट्टी सिक्स मल्टीप्लाई कर रही रूंगी यहाँ मल्टीप्लाई एटी सिक्स अब याद रख लेना डिवीजन सिर्फ इसके नीचे एन क्यू क्या है एन क्यू मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है फटाफट फ़्ट से देखो भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन क्यूब माइनस टेन टेन क्यूब माइनस का टेन वन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एटी सिक्स सिक्स दिक्स सिक्स दर्टी सिक्स सिक्स एट दी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन तो वन माइनस फाइव वन सिक्स फाइव वन सिक्स डिवाइडेड बाय में एक हजार माइनस का दस वन फाइव वन सिक्स ये कितना आ गया आपके पास नौ सौ नब्बे कितना आ गया नौ सौ नब्बे अब कर देते फाइव वन सिक्स को फाइव वन सिक्स को डिवाइड किया बाय में नाइन नाइन्टी कितना आया वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू ठीक है तो अब कर देते हैं वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू करे, आपका आंसर आ रहा है, आप है।, है? है? है, है अब पॉइंट फोर एट जीरो पर दोबारा लिखा ही था हमने क्या लिखा था जीरो पॉइंट फोर एट किसके बीच में आएगा मैम इसके बीच में आएगा जीरो पॉइंट फोर एट तो ये क्या मैम मीडियम है तो मैम ये मीडियम वाला है मीडियम वाला है तो मीडियम आगे लिख देंगे हम तो ये क्या आ जाएगा मैम मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन देखो बच्चा यहाँ पॉजिटिव में आंसर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन अब आपको ये चेक करना है जीरो पॉइंट फोर एट किसके बीच में लाई कर रहा है? है ना जो आपको डिग्रीज ऑफ कॉरिलेशन कराए उसमें चेक कर लिया करो जीरो पॉइंट फोर एट मीडियम में लाई कर रहे तो यह आ जाएगा मीडियम पॉजिटिव कोरिलेशन अच्छे समझ आए बेटा चले आगे लो जी देख लो भाई कुछ भी नहीं है एक्स गिवन था वाई गिवन था रैंकिंग दे दी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दे दी आपकी मर्जी है जो भी दो इक्वल देना यहाँ रैंक टू दे दी डी निकाल दिया देन डी स्क्वेयर कर दिया डी स्क्वेयर निकालने के बाद फॉर्मुले में पुट कर दिया और आपके पास आंसर आ गया और लास्ट में जरूर लिख देना कौन सा कोरिलेशन है थी? ठीक है चलो चाहे पूछे ना पूछे लिख दिया करो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन इसी में पूछ लेते हैं स्पेशली मेंशन कर देते हैं ये भी बताओ ये कौन सा कोरिलेशन ओके okay, बच्चा चलो अब आपको क्या निकालना है जब आपके रैंक्स इक्वल है रैंक्स इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे रैंक्स गिवन नहीं है रैंक्स नहीं गिवन जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में आपके पास रैंक्स गिवन नहीं थे ना आपने रैंक्स को फाइंड आउट किया खुद से यहां पे भी सेम आपके पास जो ये गिवन है ना ये आपके पास रैंक्स नहीं गिवन आप फाइंड आउट ही करोगे रैंक्स को ठीक है असेंडिंग डिसेंडिंग में ही फाइंड आउट करोगे लेकिन यहाँ पे रैंक्स इक्वल आ रहे इक्वल आने का मतलब क्या है दो रैंक्स इक्वल हो गए तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है यहां बड़े ध्यान समझना मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि रैंक्स जब इक्वल होते हैं तो कैसे करना है हैं एक्स का गिवन है फिफ्टीन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी एट ट्वेल्व आगे क्या है 10, 16, 18. 10, 16, और क्लियर है. आगे हम देख लेते हैं वाई ये हमारे पास है लेट से और ये हमारे पास वाई है तो वाई देख लेते बेटा वाई क्या गिवन है हमारे पास सिक्सटीन फोर्टीन टेन ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास है ना सिक्सटीन फोर्टीन टेन सिक्सटीन फोर्टीन टेन ठीक है ट्वेल्व इलेवन फिफ्टीन टवेल्व इलेवन फिफ्टीन और आगे क्या आपके पास एटी और ट्वेल्व एटी और ट्वेल्व आपने यहीं से एक चीज़ समझी बेटा हमने स्केटर डायग्राम की जब बात करी तो हमने ये बात करी थी ना यहाँ पे हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता चल रहा कितना कितना कोरिलेशन है अगर आप देखोगे अब जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हमें नंबर्स में मिल रहे हैं कितना कोरिलेशन है जीरो पॉइंट फोर एट हर एक चीज़ नंबर्स में मिल रही है कितना है है ना हर एक चीज हम क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्वान्टिटेटिव टर्म में निकाल पा रहे हैं उसमें नहीं निकाल पा रहे थे इसलिए वो उसकी कमी थी वो उसकी कमी थी कितना हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल रही थी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे कि भाई एग्जैक्ट कॉरिलेशन कितना है ठीक है बच्चा वो उसकी कमी थी अब मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये आपके पास x है ये आपके पास y है तो सबसे पहले क्या करना है आपके पास फॉर्मुला ये सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं सबसे पहले आपको डी स्क्वेयर निकालना है डी स्क्वेयर निकालने का मतलब क्या आपको सबसे पहले डी निकालना होगा और डी निकालने का मतलब क्या है आपके पास आर वन माइनस आर टू यानी आपको पहले रैंक्स फाइंड आउट करने रैंक्स हो गए तो ही आप डी निकाल पाओगे तो सबसे पहले मैं रैंक्स निकाल रही हूँ रैंक वन निकालूंगी और रैंक टू निकालूंगी उसके बाद मैं क्या करूंगी d निकालूंगी d का मतलब r1 वन माइनस आर और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी बेटा d का स्क्वेयर d का स्क्वेयर कर दूंगी तो मेरे पास डी तो पहले रैंक देती हूँ असेंडिंग में दे दी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसेंडिंग करके दिखा देती हूँ आपको कौन सा कलर लू मैं व्हाइट ले लेती हूँ यहाँ पे मैं असेंडिंग करके दिखा देती हूँ ठीक है सॉरी तो वहां असेंडिंग लिया था यहाँ डिसेंडिंग करके दिखा देती हूँ थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए ठीक है सबसे बड़ा नंबर बताओ मैम सबसे बड़ा नंबर है ये वाला ट्वेंटी एट पहले मैं एक्स में से ले रही हूँ रैंक वन फिर मैं वाई में से निकालूंगी रैंक टू ठीक है तो सबसे पहले मैं एक्स ले रही हूँ एक्स में सबसे बड़ा नंबर ट्वेंटी एट तो ये आ गया वन ट्वेंटी एट के बाद मैम कितना आ रहा है ट्वेंटी तो ये आ गया मैम टू ठीक है ट्वेंटी के बाद कितना आ रहा है मैम ट्वेंटी के बाद एटीन आ रहा है एटीन मतलब रैंक थ्री गई मेरे पास एटीन के बाद मैम सिक्सटीन आ रहा है सिक्सटीन मतलब मैम रैंक कितनी आ गई फोर गई सिक्सटीन के बाद मैम कितनी आ रही है फिफ्टीन आ रही फिफ्टीन मतलब मैम मेरे पास रैंक फाइव आ गई मैम आगे कितनी आ रही ट्वेल्व आ रही ट्वेल्व मतलब मैम रैंक सिक्स गई उसके बाद मैम टेन मैम टेन यहाँ पे भी और टेन यहाँ पे भी है मैम ये क्या लोचा हो गया अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैम सेवन या दू सेवन याद एट यादू एट यादू रैंक गिवन है रैंक्स निकाल रहे हैं बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी आपने देखा ये गड़बड़ यही गड़बड़ के चक्कर में फॉर्मूला इतना लंबा आ गया

एट और नाइन का पता नहीं किसको क्या तो डिवाइड तो बाय में तीन कर देते अगर चार होते तो सेवन एट नाइन टेन डिवाइड बाय में फोर कर देते लेकिन यहाँ पे तो दो ही गिवन है, कर तो दो एट प्लस टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाय में आया टू तो क्या आ गया सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव अब दोनों को ही मैं सेवन पॉइंट फाइव और सेवन पॉइंट फाइव दे दूंगी और काम खत्म आसान लगा कुछ भी नहीं था सिंपल है क्या हुआ दस और दस दो बार आ गया समझ नहीं आ रहा है रैंकिंग दे रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं अब समझ नहीं आ रहा है सेवन किसको दूं एट किसको दूं है ना दोनों के लिए अब मैं क्या करूंगी दो बार है तो टेन प्लस टेन ये देख रहे हो तो सेवन प्लस एट किया दो बार है तो डिवाइडेड बाय में टू किया इनको सॉल्व किया सेवन पॉइंट फाइव आया सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पे लिख दिया सेवन पॉइंट फाइव यहाँ पे लिख दिया कंफ्यूज नहीं होना पेपर में कई बार तीन बार रैंक सेम आ जाती है यहाँ पे भी टेन 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 इसी में तीन बार टेन डाल दिया उन्होंने तो क्या करोगे यहाँ सेवन एट प्लस नाइन कर दोगे डिवाइडेड बाय में थ्री कर दोगे कन्फ्यूज नहीं होना बेटा कुछ भी आ जाए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इससे भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही जगह में कई बार दस, दस 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 या दस दो बार डाल दिया ट्वेंटी ट्वेंटी भी दो बार डाल दिया ऐसे भी कर देते कई बार तो आपको पता होना चाहिए सेम ही तरीके से आप सॉल्व करोगे कुछ भी ओके okay, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है मेरे साथ सॉल्व करके देखो आपको इजी हो जाएगा रैंक टू अब रैंक टू मतलब वाई में से निकालते हैं अब यहाँ डिसेंडिंग लिया है, तो वहां पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा मैम 18 है सबसे बड़ा क्या है मैम एटीन है एटीन के आगे क्या लगा देंगे वन उसके बाद क्या है मैम उसके बाद एटीन के बाद कौन सा नंबर आएगा छोटे में छोटे में मैम सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन मतलब मैम यहाँ टू उसके बाद मैम सिक्सटीन के बाद मुझे फोर्टीन सिक्सटीन uh, के बाद मुझे फिफ्टीन दिख रहा है फिफ्टीन को मैं दे दूंगी थ्री फिफ्टीन के बाद मुझे मैम दिख रहा है फोर्टीन फोर्टीन ही है फोर्टीन को मैं दे दूंगी फोर फोर्टीन के बाद मैम मुझे ट्वेल्व दिख रहे हैं मैम ट्वेल्व तो दो आगे अब फाइव और सिक्स अरे मैम ये तो गड़बड़ होगी है ना ट्वेल्व तो यहाँ पे भी है और ट्वेल्व यहाँ पे भी है दो बार आगे तो कोई नहीं मैम क्या करेंगे आप समझ नहीं आ रहा फिफ्थ रैंक किसको सिक्स रैंक किसको दूं दोनों को आ, दे सकती हूँ फाइव प्लस डिवाइडेड बाई मैं टू कर दूंगी सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन डिवाइडेड बाई में टू टू फाइव ऑर टेन टू फाइव टेन यह क्या आ गया फाइव पॉइंट फाइव आ गया तो मैंने क्या करा ट्वेल्व के आगे ये वाले को भी फाइव पॉइंट फाइव दे दिया ठीक है यहाँ पे भी मैंने क्या दे दिया फाइव पॉइंट फाइव और यहाँ पे भी क्या दे दिया ट्वेल्व को आगे यहाँ पे यहाँ पे भी क्या दे दिया मैंने फाइव पॉइंट फाइव कन्फ्यूज नहीं होना जब ऐसी सिचुएशन आ गई समझ नहीं आ रहा फाइव किसको दू सिक्स किसको दू तो दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय में कर दो जितने भी जितने भी आइटम्स है अब यहाँ पे दो आइटम है तो डिवाइड बाय में टू कर दिया अगर यहीं पे बारह 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 एक जो एक और जगह बारह होता तो तीन आइटम होती तो समझ नहीं आता फिफ्स किसको दो सिक्स किसको दू सेवन किसको दू? किस दू तीनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय में टू कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखो भाई अब ये हो गया अब ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व के बाद छोटा नंबर मैम इलेवन होता है फाइव और सिक्स तो गए अब बच्चा सेवन सेवन फाइव और सिक्स गए नाबर फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव दे दिया बीच का अब बच्चा सेवन सेवन इसको दे दिया मैम इसके बाद बताओ इलेवन इलेवन के बाद कोई और छोटा नंबर है इलेवन के बाद मैम टेन आएगा टेन के आगे क्या दे दिया मैम एट दे दिया टेन के आगे क्या दे दिया मैम एट दे दिया क्लियर है इतना अच्छे समझ आया एक बार मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ये 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 और ये ये और ये ओके okay, बेटा चले अब क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकाल देते हैं मैम कोई इशू नहीं है पहले ये कर देते हैं ताकि कोई इशू ना हो हमें ठीक है बच्चा थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करना चलो जी अब क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आर वन माइनस आर टू फाइव येलो कर दे कलर अब आर वन माइनस आर टू फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू ठीक है सेवन पॉइंट फाइव माइनस फोर सेवन पॉइंट फाइव माइनस का फोर ठीक है टू माइनस एट टू माइनस एट ठीक है वन माइनस फाइव पॉइंट फाइव वन माइनस फाइव पॉइंट फाइव सिक्स माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन सेवन पॉइंट फाइव माइनस का थ्री फोर माइनस वन फोर माइनस वन और लास्ट में थ्री माइनस फाइव पॉइंट फाइव थ्री माइनस फाइव पॉइंट फाइव डा न जी चले आगे लो जी ये स्पेस चाहिए कैलकुलेशन में आपको करके यहीं दिखा दूंगी ताकि ईजिली फटाफट से हम सॉल्व कर दें ओके ये हमें पता ही चलो फाइव में से टू गए मैम थ्री ये तो सिंपल सा है सेवन पॉइंट फाइव में से फोर गए सेवन पॉइंट फाइव में से फोर गए यहाँ फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री पॉइंट फाइव कितना आया 3.5 पॉजिटिव का दो ये कितना है माइनस का छः ये बताओ 5.5 में से एक गया 5.5 में से बेटा कितना गया एक गया तो कितना आया आपके पास 4.5, 4.5 आया लेकिन ऑब्वियसली माइनस का बचा छः और सात ये क्या बचा माइनस का वन यहाँ बताओ 7.5 में से तीन गया 7.5 में से तीन गया यहाँ फाइव पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितना आया फोर पॉइंट फाइव ही आया यहाँ पे भी मैम कितना आया फोर पॉइंट फाइव लेकिन पॉजिटिव का फोर में से वन गया थ्री थ्री में से फाइव पॉइंट फाइव यानी फाइव पॉइंट फाइव और यहां क्या आ गया थ्री तो कितना बच गया मैम टू पॉइंट फाइव यहाँ पॉइंट फाइव और फाइव में से थ्री गया टू तो यहाँ क्या बच गया टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव लेकिन बचेगा माइनस का क्योंकि माइनस का निशान क्या बेटा बड़ा डन है इतना डन है इतना अब कर दो डी स्क्वेयर थ्री थ्री दा नाइन 3.5, 3.5, कितना आया? 35.5, 3.5, मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 55 डी, 25, 53 डी, 15, 16, 17, 35 डी, 15, 33 डी, 9 और 1, 10, तो क्या आया? 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 12, तो दो, दो बिंदु लगा देंगे 12.25, 12.25 ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ऐसे ही करते जाओ मैं एक बार फटाफट से कर देती हूँ टाइम की वेस्टेज ना हो फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फाइव है ना ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव और हर जगह पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि जब स्क्वायर कर रहे हैं इनटू में वही कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन वन दा वन फोर पॉइंट फाइव का स्क्वायर फिर से ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव आ जाएगा थ्री थ्री दा नाइन हो जाएगा टू पॉइंट फाइव का स्क्वेयर टू पॉइंट फाइव का स्क्वेयर कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास सिक्स पॉइंट टू फाइव क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव अब फटाफट से क्या करेंगे फिर से फिर से क्या करेंगे सिग्मा डी स्क्र यानी डी स्क्वेयर का क्या कर देंगे सिग्मा यानी टोटल कर देंगे तो फटाफट से टोटल करते हैं देखो नाइन प्लस ठीक है दोबारा से देखो नाइन प्लस ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव प्लस वन प्लस ट्वेंटी पॉइंट टू फाइव प्लस नाइन प्लस सिक्स पॉइंट टू फाइव इक्वल टू तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा डी स्क्वेयर मेरे पास वन वन फोर कितना आ गया एक सौ चौदह आ गया वन वन फोर तो फटाफट से एक बार फॉर्मूले में लगाते हैं आप ठीक है स्पीय्समैन रैंक कोरिलेशन वाला है वन यहाँ पे भी देखो भाई यहाँ पे सेम गलती कर रखी है ठीक है आप मत करना गलती आप बहुत समझदार बच्चे हो आपको ये चीज समझा दी है कि वन के नीचे डिवीजन नहीं शो करनी खाली सिक्स के नीचे शो करोगे आप देखो सिग्मा डी स्क्वेयर कितना निकाला वन वन फोर प्लस वन बाय में ट्वेल्व ये मैम एम क्या है मैम एम एम का मतलब है कितनी बार आपकी रैंक सेम आई है अगर आप देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में दस दो बार आया कितनी बार आया था 10 दो बार है दो बार आया यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे m का मतलब क्या है 2 2 का क्यूब माइनस 2 या 1 1 क्यों लिखा है? क्योंकि कितनी कितनी मर्जी बार रैंक सेम आ सकते हैं यहाँ पे 10 दो बार आया है यहां पे 12 दो बार आया है है ना 2 क्यूब माइनस 2 ठीक है आगे देखो इसको ब्रैकेट बंद प्लस 1 12 सेम m³ m2 एम क्यूब माइनस एम ही है बेसिकली एम क्यूब अब यहाँ पे देखो अब और कौन सी सेम आई है मैम मैम पे पे चलते हैं और बार, है, बार, बार आया तो, तो, तो टू का क्यूब करेंगे बेटा माइनस का टू क्योंकि टू का क्यूब माइनस का टू क्लियर है यहाँ तक डन है अब सिक्स के नीचे डिवीजन करनी है आपको ठीक है एन क्यूब माइनस एन एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितनी फटाफट से देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कितनी है आठ आठ क्यूब माइनस का आठ ठीक है माइनस का आठ मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे आप वन माइनस ठीक है पहले तो इसको सॉल्व कर दो सिक्स बाहर लगा दो यार वन वन फोर ठीक है वन बाय में ट्वेल्व टू का क्यूब करो टू इंटू में टू इंटू में टू 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 तो द फोर फोर टू द एट एट में से टू गए सीधा लिख दो एट में से टू गए मैम सिक्स में सीधा लिख देती हूँ प्लस वन बाय में ट्वेल्व सेम यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिक्स ठीक है डिवाइडेड सिक्स के नीचे से होगा ध्यान देना अब सेम है एट क्यूब एट क्यूब यानी एट इंटू में एट इंटू में एट 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 दिक्सटी फोर पता है सिक्सटी फोर एट द क्या होता है फटाफट से देखो फोर एट दर्टी टू सिक्स एट द क्या होता है एट फाइव द फोर्टी एट सिक्स दी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फाइव वन टू फाइव वन टू माइनस का एट इतना डन है चले आगे चलो आर के वन माइनस सिक्स तो फटाफट से एक बार इसको सोल्व करते हैं सिक्स वन दिक्कस टू द ट्वेल्व तो मैं सीधा लिख दू वन वन फोर माइनस का वन बाय में वन बाय uh, में टू है ना फिर यहां पे प्लस का वन अच्छा यहां पे भी प्लस है बेटा प्लस वन बाय में टू यही था ना वन वन फोर प्लस प्लस है यहाँ पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस हर जगह प्लस 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 ठीक है सॉरी एट फाइव वन टू माइनस एट एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितना बच्चा फोर जीरो फाइव जीरो फोर कितना आ गया पांच सौ चार कितना आ गया बेटा पांच सौ चार ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना ये अलग है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना ठीक है बेसिकली अब ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करें कलर चेंज कर रही हूँ मिक्स ना कर देना आप ठीक है आर के ठीक है अब करो भाई वन बाय में टू इसका आता है जीरो पॉइंट फाइव इसको सॉल्व करो ये भी जीरो पॉइंट फाइव आएगा वन माइनस सिक्स वन वन फोर प्लस जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है डिवाइडेड बाई में पांच सौ चार यहाँ तक ओके है बेटा यहाँ तक ओके है बेटा चले आगे आगे देखो आर के वन माइनस सिक्स बाहर का बाहर एक और ये कितना हो गया वन एक सौ चौदह प्लस एक कितना हो गया एक सौ पंद्रह डिवाइडेड बाय में 504 सौ चार डिवाइडेड बाय में पाँच सौ चार ठीक है तो फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं ठीक है फटाफट से देखते हैं भाई एक सौ पंद्रह डिवाइडेड बाय में पांच सौ चार कितना आया जीरो पॉइंट टू टू एट आ रहा है इसको मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दू सिक्स से वन पॉइंट थ्री सिक्स आर के वन माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स तो कितना आएगा आंसर मैम यहाँ लिख रही हूं मैं आंसर देखो यहाँ पे आर के जीरो पॉइंट थ्री सिक्स और माइनस का बचेगा तो ये माइनस का जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आ गया माइनस का जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आंसर आ गया बेटा आपका अब आप मुझे बताओ कैसा कोरिलेशन है कैसा कोरिलेशन है कौन सा कलर चूज करूँ

तो यहां पे भी क्या लिखेंगे मीडियम नेगेटिव को क्या है बेटा है आपका मीडियम नेगेटिव को हो गया भाई क्वेश्चन अच्छे से समझ आया कुछ भी नहीं किया एक्स था वाई था बस फर्क क्या था लास्ट और इसमें क्वेश्चन में इसमें भी रैंक्स निकालने थे इसमें भी रैंक्स निकालने हैं ठीक है बस फर्क क्या आता है इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई सीधा सीधा आया कोई भी एक नंबर दो बार रिपीट नहीं हुआ यहां पे बेटा एक रैंक दो बार रिपीट हो रही है टेन टेन दो दो बार हो गया बारह बारह दो, दो दो बार हो गए अब समझ ही नहीं आया भाई सात किसको दू आठ किसको दू यहां पे पांच किसको दू छ किसको दू तो अब आप क्या करोगे दोनों को प्लस कर दोगे डिवाइड बाई में टू कर दोगे ऐसे ऐसे करके आपके रैंक भी आ जाएगी रैंक टू भी आ जाएगी डी आ जाएगा तो डी स्क्वेयर भी आ जाएगा अब ऑब्वियसली बात है अब रैंक्स रिपीट हो रही है इक्वल हो रही है तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एम क्यूब माइनस एम मतलब दो बार आ रहा है टेन तो दो बार लिख रहे टू क्यूब माइनस का टू सेम लगाएंगे अब बारह बारह भी दो बार आ रहा था तो दो अगर मान लो बारह तीन बार आता तो यहां पे तीन लिखते बारह चार बार आता तो यहाँ चार लिख देते जितनी बार रिपीट हो रहा है वो इतनी बार लिख देते और ये चलता रहता चलता रहता जितनी बार कोई नंबर दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है वो चलता रहता प्रोसेस क्लियर है अच्छे समझ आए फॉर्मूले को लगाओ इधर उधर करो है ना मैथ्स में आप मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉग हो गए लास्ट में आपके पास आंसर बच रहा है माइनस का जीरो पॉइंट थ्री सिक्स माइनस बच रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन रिलेशन है और जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आपका मीडियम है लाइक करते तो मीडियम नेगेटिव को रिलेशन हो गया जी चलो जी अब आगे कुछ एक

बन देना है। चलो नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है यहीं से हमें पता चल पा रहा है अब हमने बात करी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है ये हमें पता चल पाया है कोरिलेशन से है ना ये पता चल पाया कि देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन अब ये भी पता चल पाया है कि भाई क्या कारण है कि क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है है ना क्या कारण है और कैसे इफेक्ट है ये पता चल पा रहा है कि भाई एक वेरिएबल के बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है एक वेरिएबल के बढ़ने से जब नेगेटिव आप देख रहे हो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है अपॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है डिमांड कम हो रही है ये भी हमें पता चल पा रहा है दैट इज कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बेटा हमें पता चल पा रहा है Easy, चले नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेक्टेशन बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड एक बिजनेस मैन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर सकता है लेट्स से उसने देखा कि जो प्राइस है उसने देखा कि प्राइस जो है बढ़ गया उसने देखा कि उसका मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो फटाफट फड़ से वो अब क्या करेगा वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा है है ना बिजनेस डिसीजन ले सकता है। उसने देखा प्राइस बढ़ गया तो वो क्या क्या कर देगा देगा अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। ये उसने क्या लिया बिजनेस डिसीजन तो लेने में भी क्या होती है उसको हेल्प मिलती है नेक्स्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए लेट्स से अगर मैं एक बात करूं बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी बनाती है अगर हमें पता है टैक्स और टैक्स कलेक्शन में टैक्स टैक्स और कलेक्शन में नेगेटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा दे तो ऑब्वियसली बात है लोग पीछे हटेंगे टैक्स कम देंगे है ना भागेंगे टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे जितना भी टैक्स ज्यादा होगा तो लोग बचने की कोशिश करेंगे चोरी करेंगे टैक्स की उसी को हम टैक्स इवेजन कहते हैं आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे वाला टैक्स इवेजन क्या होता है ठीक है टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर मान लो टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो ऑब्वियसली लोग सोचेंगे यार कम ही टैक्स है देते देते हैं ना, भर ही देते हैं ना तो टैक्स कलेक्शन क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो अब गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगा पॉलिसी को फॉर्म करने में कि भाई टैक्स को बढ़ाए कि कम करें अब इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी टैक्स को से उसने कहा कि टैक्स कम करने से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अपना टैक्स दे रहे क्योंकि उनको लग रहा है यार कम ही है तो अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बना दी कि भाई टैक्स को कम कर दे क्यों क्योंकि टैक्स कलेक्ट

कलेक्शन होगी हाई टैक्स कलेक्शन होगी वही वाली बात कर रहे हैं बेटा यहां पे क्या बात करी कि हमें पता है जितना टैक्स टैक्स ज्यादा होगा उतनी कलेक्शन कम है जितना कम होगा उतनी टैक्स कलेक्शन ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि भाई टैक्स रेट को हम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं ताकि टैक्स कलेक्शन क्या हो जाए ज्यादा हो जाए क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशन डन है अच्छे समझ आया तो लो जी बेटा चैप्टर हो गया आपका समाप्त उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बस बेटा ऐसे अपना प्यार दो आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है ना तो बस ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो और पेपर में फोड़ दो पेपर में फोड़ दो आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो आई नो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो ठीक है जी थैंक यू